योर ऑनर, कासिम भाई नामक इस नोटोरियस क्रिमिनल का कैरेक्टर देखिए। महान जज साहब, आपको ये तो पता ही है कि ये आदमी कैसा है। अपनी ही बहन की शादी के नाम पर कोर्ट की दया पे पैरोल की मांग कर रहे इस व्यक्ति को समूह में वापस जाने दिया तो मर्डर और जुर्म वापस शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उतना ही नहीं, इससे पहले कई बड़े ऑफिसर्स को मार डालने की धमकी दी है इसने, ये मैं बताना चाहता हूँ। इस वजह से कोर्ट की कोई भी दया या सपोर्ट इस कैदी को नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरी आपसे अपील है, इस पर कोई दया नहीं की जाएगी और इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। योर ऑनर, मेरी आपसे इल्तिजा है कि इसे एक रुपए की भी दया नहीं दिखानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये सब मुझे बाहर ना जाने देने के लिए फर्जी इल्जाम है मेरे ऊपर। सालों से जेल में बंद मुझे बेल या कोई भी रियायत दिया नहीं गया, लेकिन अब मेरी छोटी बहन जिसका और कोई नहीं है उसके शादी के लिए एक हफ्ते का टाइम मुझे देने की कृपा करें जज साहब। नो योर ऑनर, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। एक हफ्ता नहीं, एक दिन भी इसको पैरोल नहीं देना चाहिए। ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे अब्बा कादर भाई के जैसे मुझे भी जेल में मार देना चाहते हो तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सभी को मार दूंगा। बात सुनिए, छोड़िए आप। आई विल कम अगेन। मेरी मदर, मुझे और मेरे इस कला दर्शनी को अपने आंखों के तारों के समान देखने के लिए एक स्पेशल थैंक्स। यहाँ पढ़ने आए हुए लड़कियों और टीचर्स को कमीने लड़कों और खास करके छुपा रुस्तम कैमरे से बचा करके उन्हें अच्छी राह पे चलाने के लिए हमें प्रेरणा दे मदर। लड़के और लड़कियों के बीच एक दूसरे को जानने के अलावा प्यार के बीज ना बोए, अपने पुत्र और संसार के सब लोगों पे कृपा बनाए रखे, आमीन। फादर, आप अपने बच्चों पे शक ना करें, वे भगवान के पुत्र हैं। अनदेखी बातों पर भी भरोसा करने वाले भाग्य के साथ होते हैं, सुना है ना आपने? आपका अपना यीशु क्रिस्टु ऐसे भगवान का साउंड निकालना सीखा। बाप रे बाप, भागो। जो सीखा है उसे खत्म करते हैं। मुझे नहीं सीखना ये सब। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? ये स्टेप सीखने के बाद दूसरा सीखेंगे। इसको ऊपर करो, हाँ पकड़ो ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर मैं तुम्हें दूसरा स्टेप दिखाऊंगा, टाइटेनिक वाला पोज। हाँ, ये मेरे पंख है, इसे सहलाओ। पंख? सोच क्या रही हो, अच्छे से सहलाओ ना, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी करो ना, पंख दुख रहे हैं मेरे। प्यार से सहलाओ, इससे पहले कि मेरा शैतान बाप आ जाए। सहलाओ ना। वाह वाह वाह, क्या क्या कर रही हो? अरे बाप रे, अरे बाप रे, तुम्हारा वजन कैसे बढ़ गया? अरे क्या उठा कर रखा है मेरे ऊपर, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा आराम से, धीरे। फादर, आप है, मुझे लगा कोई गेंडा है। अरे वो क्या है ना कि मैं अपने प्रोग्राम के लिए ब्रेक डांस सिखा रहा था उसको। ठीक है, मुझे तेरी बीमारी पता चल गई कोचंडी। फादर, मैं तुझे यहाँ से निकाल दूँ क्या? उसकी जरूरत नहीं है फादर, मैं अब सुधर जाऊंगा। कैसे? फादर, आपने मुझे बताया था ना, दारू नहीं पीना, किसी दूसरी औरत को मत देखना। मैंने ये सब छोड़ दिया फादर। फिर मैंने यहाँ जो देखा, वो तो मैं स्टेप सिखा रहा था उसको, वो मेरी माँ बहन जैसी है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। जाने दो, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, बुरा लगा मुझे।
बहुत बुरा लगा। सर दे दो सर, बहुत भूख लगी है। भिखारी को कुछ दे दो सर, बहुत भूख लगी है। तुम लोगों के सुबह सुबह और कोई काम नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है आज पूरा दिन थारा कंदन फादर के सामने भीख मांगना पड़ेगा। हट। दीदी दीदी, दो दिन हो गया मुझे खाना खाए हुए, कुछ तो दे दो खाने को। दीदी हटो, बाद में आना। हटो। वो क्या है ना सर, मुझे कब आना है मुझे फोन करके बता देना, समझ गए ना? मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, 9846। बस बस बस, इसके मौसा का नंबर चला। क्या रे, इंसानों को देखा नहीं है क्या तू? है ऐसे भिखारी भूख लगाए बोल के मुझसे कल 1 रुपया मांगा। मैंने पूछा 1 रुपये में क्या मिलेगा, उसने बोला 2 दिन से चाइनीज नहीं खाया तो कितना वजन कम हुआ वो चेक करना है मेरे को। वो क्या है ना, मैं बहुत कमजोर हो गया। कमाल के भिखारी है यार। कैसे हंस रही है मेरी जान। सबके सामने किस कर रहा है? कैसा जमाना आ गया ये भगवान। हाय दीदी। हाय। ओह ये ओह ये अभी कोचे हट। तू यही मिलेगा मुझे मालूम था, प्रोग्राम के लिए आया नहीं, तू यहाँ आ गया सुबह सुबह। कोई और काम नहीं था? अगर सुबह नहीं आता तो ये सुनहरा पल मिस कर देता ना, मैं क्या करूँ। मैंने 100 बार तुझे बोला है कपड़े बदलते टाइम दरवाजा लगाया कर, दरवाजा बंद करके कपड़े बदलू? लड़की नहीं हूँ मैं। मूड खराब हो गया सुन। अरे तू तो लड़की की भेष में है, लेकिन जब तू कपड़े उतारता है ना तो मेरा टेम्परेचर और हाई हो जाता है। ये टेम्परेचर दूर कर, अब मैं इसका क्या करूं? ये रख ले, नारियल का वच है, पता नहीं किसका बू देखा था आज। मैं ऐसा नहीं हूँ यार। नहीं 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 नहीं, इस महीने हर दिन प्रोग्राम है। नो प्रॉब्लम, हर दिन प्रोग्राम है फिर भी आइटम्स कम नहीं होंगे। ओके ओके ओके, बंदोबस्त करती हूँ। सुबह सुबह फोन करके किसको पका रही हो सिक्की बेबी? लड़कियों की आवाज सुनकर कई बेवकूफ फोन ही नहीं रखते हैं, एक के बाद एक बात पूछते रहते हैं। कैसे नहीं पूछेंगे, तुम्हारी कोयल जैसी बोली सुन के कोई मर्द अपना फोन रख भी कैसे सकता है? हाँ हाँ हा, कलाम भाई के लोग हैं सब। वो तो मेरे लोग हैं, इसलिए तुम्हें लॉलीपॉट पर घूमने का मौका मिल जाता है। ये है कल के प्रोग्राम का हिसाब किताब और बैलेंस। क्या है ये, कलाम भाई की खुद की गाड़ी का पेट्रोल भी इसमें लिखा है। फादर पूछेंगे तो क्या बोलूं मैं? तुम वो फर्स्ट लिस्ट वाले फादर को मत दिखाओ। ना 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 ना, झूठ में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मेरी डार्लिंग है ना सिक्की बेबी। डार्लिंग नहीं, नैनीताल। फादर ये सुनेंगे तो उसी वक्त हम दोनों को डिसमिस कर देंगे, पता है? मैं इस्लाम तुम क्रिश्चियन और हमारे इस लव जिहाद के चलते फादर हमें यहाँ से निकालेंगे तो पता है ना तुझे, फादर लंगड़ाते हुए प्रार्थना करेंगे। ओहो, तो ये है तुम्हारा प्लान। देखो ये चैप्टर यही खत्म करते हैं। सुनो, फादर मेरे महान देवता है। तो मैं कौन हूँ, महान व्यक्ति हूँ क्या? महान व्यक्ति नहीं, तुम तो बहुत बड़े बड़े गधे हो। सुनो, फादर की 60वीं सालगिरह मनाने का प्लान करने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सभी आए हैं, आप भी चलो। आप लोग चाहे जो कुछ भी डिसाइड करें, मैं लेकिन 1 रुपया भी बढ़ाने वाला नहीं हूँ। ये सब मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ ये मैं और मेरे भगवान ही जानते हैं। सुबह प्रार्थना किया तब भगवान ने मुझसे बोला कि पैसा बढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे फादर को हो तो बताओ। साइलेंस साइलेंस। तुम लोगों को एक सच्चाई बताता हूँ, चिलचिलाती गर्मी में 3 किलोमीटर तक चल के मैं जलता हुआ यहाँ पे आता हूँ। आप एक बार सोच के देखिए, और मेरे ट्रूप का मैनेजर ये कैसे आता है एक महंगी गाड़ी में, मेरे पीठ पीछे दूसरा प्रोग्राम करके पैसा कमा के कार खरीद लेते हैं ये लोग। मेरे प्यारे फादर, मैं झोल नहीं करता हूँ, मुझ पर भरोसा करिए। मुझे तुम पर भरोसा? देखा सच है। हेलो हेलो कलाम जी। हाँ मैं हूँ राजन। बॉम्बे में जो दूसरा शो किया था फादर को पता लगा।
16 तारीख को अंगा मले के शो के बाद बेंगलोर चले तो कैसा रहेगा? चलेगा उसमें क्या? फादर को तो नहीं पता चलेगा ना? मेरे राजा, वो तो यहाँ पे बस यूनिफॉर्म पहन के बैठे रहते हैं। यहाँ सब कुछ डिसाइड करने वाला तो मैं हूँ। काला दर्जना पूरा खा जाएगा तू। मजाक मत कर। सुनो, फादर आ रहे हैं, तुम फोन रखो। सुन रे बेवकूफ, तुम लोगों का सारा झोल मुझे पता है, लेकिन अपने दिल का दर्द किसे बताऊं मैं? हाँ, सलमान को बताऊं या शाहरुख को बताऊं या कुछ साल पहले यहाँ से पास हुए पंकज त्रिपाठी को, या तुझे बताऊं? नहीं फादर, आप कुछ भी कर सकते हो। गलती हो गई। सभी को बता रहा हूँ, अगर सब लोग यहाँ से चले भी गए ना, तो मैं अपना यूनिफॉर्म हटा करके खुद स्टेज पे चला जाऊंगा। हाँ सर, अब आगे क्या है बताओ। फादर। हाँ बोलो। ये आने वाली 12 अगस्त को आप 60 साल के हो जाएंगे, ये सभी को पता चलना चाहिए ना? हाँ फादर, आपके 60 एनिवर्सरी को पार्टी शार्टी करके 100 साल जैसा मनाएंगे। गाँव वालों के सामने मुझे बुढ़ा बता के मेरे नाम पे पार्टी करके मौज मस्ती दारू पी के चौड़े में चलोगे? नहीं चाहिए। सही कहा। नहीं चाहिए। 60 साल के गाँव वालों को पता चला तो फादर की इज्जत का क्या, उसके लिए हम एक डिस्काउंट देते हैं। फादर, हम थोड़ा नीचे जाके वो गोल्डन जुबली के नाम पे पार्टी करते हैं। बेटा तू जरा इधर आ। जी बिल्कुल। तुम तो पच्चालम पापचंद के बेटा हो ना? हाँ। तुम्हारे दिमाग का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए बाप की तरह छोटे ही रह गए तुम, समझ रहे हो? हाइट सिर्फ 3 फीट की है और दिमाग देखो कितना चलाता है। फादर चिंता मत करो, क्या है ना, पार्टी के लिए स्पॉन्सर हम ढूंढ लेंगे, पर 10 रुपए खर्च मत करना। अगर तुम लोगों को जरूरत है तो तुम लोग करो, लेकिन उसके नाम पे बेकार में क्यों करना? अरे हम बेकार नहीं है फादर, बेकरार हैं। और एक बात, पार्टी के वक्त हमारे पुराने कलाकार उन्नी, सुब्बू और मनोज को बुलाना मत भूलना। हाँ, उनके बिना पार्टी का क्या, तो आज शाम का क्या इंतजाम है? तू क्या मोहनलाल की एक्टिंग कर रहा है क्या? सभी को बुलाया था फादर मैंने। दुबई से उन्नी जिम्मी आएगा, बैंगलोर से मनोज भी आएगा, लेकिन साबू को अमेरिका से आने के लिए छुट्टी नहीं मिली। क्यों? उसको ओबामा खा गया क्या? तो प्रेसिडेंट जी, फादर मान गए हैं, पार्टी की शान बढ़ानी है, चलो प्लान करते हैं। हाँ, चले, चले। पीके नाचते हैं, पीके नाचते हैं। हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ। फादर अपने बर्थडे पर मस्त हीरो बन के स्टेज पे आना, सब लोग देखते रह जाएंगे। ये बाल भी काले कर लेना, मुंह पे फेसियल लगा के सब ठीक करवा लेना। ओके, चलती हूँ। आइए। मैं सच बता रही हूँ सर, फादर थारकंदम मर गए हैं, अभी वो हॉस्पिटल में है, सब भगवान का खेल है। अरे हट जा रे, सब बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुछ पता लगा टीचर? पता लगा क्या? क्या? हमारे फादर मर गए टीचर। क्या हुआ? क्या फादर मर गए? तुमको ये किसने बोला? सिटी फोन पे बोल रही थी, मैंने अपने कानों से सुना टीचर। बॉडी हॉस्पिटल में, अभी आओ आओ आओ, फादर मर गए। आओ, जाओ, चलो, जाओ, चलो, 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 फादर, उनके सिवा मेरा कौन है? ये क्या खबर देता है तू? बात पक्की है ना? अब तू भी मेरी सहारा हो। यहाँ तो फादर की बॉडी ओडी दिखाई नहीं दे रही है। टीचर, फादर की बॉडी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। हॉस्पिटल बदल गया क्या कोचंगी? अरे यमराज जाके देखना। अरे धीरे धीरे खींचो भाई, अभी रात में खींचा। पता नहीं फादर कहाँ पर मरा होगा, अब यहाँ पर हम उसे कहाँ ढूंढें? अरे यमराज आ रहे हैं। फादर, फादर, मेरे प्यारे फादर। रोइए मत टीचर, रोने से आपको क्या फायदा होगा, आप रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा। रोइए मत टीचर, चुप हो जाइए, रो के क्या फायदा, आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा है, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कभी टीचर। ये तो ऊपर वाले ने बुलाया है। ऊपर से क्या बुलाने की जरूरत है, बाबूजी से बुलाओ।
अरे अरे बाप रे, बचाओ, अरे रोको डॉक्टर, अरे बचाओ डॉक्टर, अरे अब इनको कौन बचाएगा, मैं जाता हूँ, अरे रुक जाओ, अरे रुको, क्या नाम है? गौमती। नाइस नेम, मुझे पसंद आ गया सच में। ऑटो ऑटो है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और मुझे मजा आ गया, हमारा स्टेशन आ गया। जी आपके लिए वो नंबर देना। सलाम भाई, सलाम भाई। यात्रा बहुत बढ़िया थी। तुम लोग यहाँ पर हो, फादर की लाश वहाँ पर है, चलो चल चल चल। अरे मेरे फादर कुछ नहीं बोल रहे। मेरे प्यारे फादर, एक कॉलेज में प्रोग्राम के बीच एक खबर पता चली, तुम तो ही प्रोग्राम बंद करके वही ड्रेस में भाग आए हम तो। फादर 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 के जाने के बाद काला दर्जा मेरे नाम पर करोगे, यही कल से सपना देख रहा था मैं। मर के नरक में जाने से पहले ऐसा पुण्य काम कर सकते थे ना। हम आपको बुला रहे हैं, अरे इतना बुला रहे हैं, एक बार तो उठ जाओ। फादर ने मुझको बोला था उनके मरने के बाद विरासत मुझे मिलेगी। धोखा मिलेगा, बकवास मत करो समझे। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, वो मुझे ही देंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते थे। चुप रहो, कुछ भी हो फादर ने कम से कम एक शेयर तो मेरे नाम किया ही होगा। शेयर क्या हुआ, क्या कर लोगे? तुम सब शांत हो जाओ, तुम सबको मिलेगा। फादर, फादर नहीं मरे। मैं मर गया हूँ सोच के हार ला करके खुशी मना रहे हो तुम लोग। मैं सब कुछ सुन रहा था, किसने बोला कि मैं मर गया था? मैंने नहीं, ये सिटी ने बोला। माय गॉड, मैंने झूठ बोलेगा तो बहुत मारूंगी। ये सिटी फोन पे बोल रही थी, मैंने सुना फादर इज डेड इन हॉस्पिटल, ऐसा मैंने अपने कानों से सुना। तो तुमने मेरे मौत की खबर फैलाई है? नहीं फादर, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि फादर डाई लगा के एलर्जी की वजह से हॉस्पिटल में है। डाई का मतलब मर गया, ऐसा इस गधे ने सोचा। इंग्लिश नहीं आती ना इसको, स्पेलिंग मिस्टेक है। वही, तुम्हारे जैसे लोगों को मेरे साथ रखना स्पेलिंग मिस्टेक है। पहले तुम लोग अच्छे से हिंदी सीख जाओ, उसके बाद तुम लोग फॉरनर बनना। बेकार में ही सपना देखा, ऐसी उम्मीद कभी होनी ही नहीं चाहिए। तू क्या बोल रहा है कलाम बेटा? ऐसा सब हो गया है तो ये हार किसके खाते में लिखूं फादर? इधर आ, वो मेरी मैयत के खाते में लिख दो है। ओह ठीक है, अभी ठीक हुआ। चलो सब लोग, फादर की मरने की इच्छा ही नहीं है। चलो यहाँ से, लग की खबर उड़ा के सब लोग इधर से उधर ले आते हैं। चलो फादर मर गए पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। शो बहुत बढ़िया था। वैसे तुम तीनों से छोटी छोटी गलतियाँ तो हुई लेकिन उससे परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ा। मुझे बहुत शांति मिली बच्चों, तुम सब मेरे पास हो तो तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम लोग अब जल्दी जाने वाले हो बोले तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो फादर, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग बाहर आए हैं, आप उनसे मिलो, हम लोग बाद में मिलेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी फादर, हैप्पी बर्थडे एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे आप कौन, पहचान नहीं पाया? मुझे नहीं पहचाना, मैं वो पाला थिंकल। पाला थिंकल, वो कौन है, कहां से है? मैं बताता हूँ फादर, जोसेफ पाला थिंकल, याद नहीं? म्यूजिक कॉलेज में आपने मुझे सिखाया है, याद नहीं आया? चटनी वाला, मुझे आपने ही चिढ़ाया था ना ये नाम से, याद आया? ओहो चटनी वाला, याद आ गया, जो कुट्टी पाला थिंकल, अभी याद आया। बेटा तुम तो बहुत आगे निकल गए हैं, अभी कहाँ हो? मैं अभी विजूर सेंट्रल जेल में हूँ। हे भगवान, बेटा जोस कुट्टी, ऐसा क्या किया कि तुम्हें जेल जाना पड़ा? वो फादर मैं, नहीं कुछ मत बोलो, सच बोलो, सच बताओ कि तुमने क्या गुनाह किया है। उस वक्त मैंने तुम्हें बहुत समझाया था लेकिन तुमने सुना ही नहीं, पैरोल लेके मुझसे मिलने के लिए आए होंगे, तुम आओ। फादर मैं विजूर सेंट्रल जेल का सुपरिंटेंडेंट हूँ, जेल सुपरिंटेंडेंट। मैंने तो तुम्हें गलत समझा, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं फादर, शो बढ़िया था,
स्पेशली इनकी मिमिक्री काफी अच्छी थी। थैंक यू सर। तुम लोगों का प्रोग्राम देखकर लगा कि इंडिपेंडेंस डे पे मिमिक्री, खास करके उन्नी जिम्मी मनोज का एक स्किट ऐड करने की इच्छा है। आइडिया अच्छा है ना? उस दिन और कुछ बुकिंग तो नहीं है ना? बुकिंग तो नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है। ये लोग दुबई और बेंगलुरु से मेरा 60वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए हैं, समझे? इनके साथ प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है। फादर, ये लोग हैं सिर्फ इसलिए मैंने शो तय किया है। इनको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे तो खुशी ही होगी। क्या बोलते हो नी, इस जोश कुटी की इच्छा पूरी कर सकते हो क्या? तुम लोग क्या बोलते हो? फादर का एक स्टूडेंट ऐसा आके बोलेगा तो हम कैसे मना कर सकते हैं? क्यों जिमी, मना कर सकते हैं? जैसा फादर चाहे। भगवान तुम सबका भला करे, तुम लोग जरूर कामयाब होगे। ये सिटी पूरी तरह से बदल गया है ना? ये क्या बदलाव है? मेरे बदलाव है सबसे बड़ा। पहले मैं फोर्ट कोची में रहता था, अब मैं चड्डी के वहाँ रहता हूँ। क्या बोल रहा? मेरा मतलब है बोट जेट्टी था। 25 किलोमीटर का बदलाव देख रहे हो? वैसे तुम्हारी बकवास का कोई बदलाव नहीं हुआ। गाड़ी चलाते टाइम बकवास करने को फादर नहीं बोला है। रुको, गाड़ी है। तुझे जगह याद है? क्यों नहीं, एक बार कादर भाई के लोगों ने हमें यहीं लाकर तो पीटा था। उस दिन पूरा मार खाया था सबू ने। और तुझे मिला था वो क्या था? अपने शरीर से बस करो, बस करो। सबको मार पड़ी थी। खुश, सच में सबू का हमारे साथ होना चाहिए था। क्यों, और मार खाने के लिए? ए, वो पहले जैसा नहीं है, डिसेंट हो गया अब। वाइफ का कॉल है। अपनी या दूसरे? हाय नैंसी, कैसी हो तुम? जिमी, नहीं आ रहे हो तुम? क्या गाँव में ही रुकने का प्लान है? परसों तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। मुझे यहाँ 2 दिन और रुकना पड़ेगा, तो राजेश को तुम फोन करके बता दो। और बेटी कहाँ पर है? हाँ, वो यही है। नहीं बात करेगा, तुमसे गुस्सा है। ठीक है, मैं रात को कॉल करता हूँ। ओके? कौन सा फोन है? अच्छा है, बोडा फोन है। मेरा केरला का फोन है। तेरा केरला का फोन रो रहा है। अरे, मेरा ही फोन है क्या? हेलो, क्या है बे? हाँ, मैंने निकाल दिया। जो जी चाहे कर। और एक बात बता देता हूँ, अगर ज्यादा नाटक करेगा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। हरामखोर। कौन था? मेरे अब्बा। अब्बा, क्या हुआ? घर की कामवाली को निकाल दिया तो अच्छा नहीं लगा उनको। बीमार अम्मी को देखने वाली कामवाली को निकाल, हाँ, दिया? निकाल दिया। अरे, क्यों निकाला? कामवाली को नहीं तो क्या, अब्बा को कैसे निकालूंगा मैं? मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे जाएगा तो कामवाली के बच्चे को अपना छोटा भाई बनाना पड़ेगा, समझा? ऐसे ही ये चर्चा यहीं समाप्त हुई। दर्शकों, आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कुछिन कला दर्शन के सीनियर जूनियर कलाकारों की कलाकारी का। मैजिकल मिमिक्स कॉमेडी नाइट्स शुरू होने जा रहा है। एक सेकेंड, बुरा ना माने, मैं यहाँ कहानी बोलने नहीं आया, कहानी वाला अभी आएगा। आदरणीय महाजनों, भक्त जनों, 7वीं बार भी मुझे इस मंदिर के प्रेसिडेंट के लिए चुनने के लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। ये मंदिर, सुनो ना, टेस्ट कराओ ना। हट, ये प्रेसिडेंट को टेस्ट करने के लिए लायक है क्या तू? और पीऊंगा। क्या टेस्ट करेगा रे तू? कौन है तू? माइक पे बोल। सब लोग आ गए, कहाँ है कहानी सुनाने वाला? अभी आएगा। अरे, इतनी देर से अभी आएगा बोल रहा है बस। जरा सुनिए, मुझे थोड़ा पाउडर चाहिए। तबला को क्यों चाहिए पाउडर और फेयर एंड लवली? थोड़ा लिपस्टिक भी लगा ले बे। अरे, कहानी सुनाने वाला कहाँ है? क्या घूर रहा है? नमस्कार, मैं ओचिरा ओमन, कहानी वाला वेट्टी कुजी वासु की बीवी। राल मट्टप का मक्खी चली जाए। कहानी वाला कहाँ है? वासु एटन दारू पी रहा है, दवा पी रहा है, चक्कर आके गिर गया, 2 दिन का रेस्ट बोला है। ए भगवान, अब कहानी कौन सुनाएगा? डरिए मत, मैं हूँ ना। कहानी बोल के पूरा खत्म करके जाएगी, ऐसे लिख के साइन कर दे, उसके बाद तू शुरू कर। वो किस लिए? चुप रह, ये जरूरी है। अरे चुप बैठ, तू कहानी सुना। हाँ, तुम बोलो। कलश नहीं, माता पिता और युवा लोगों, उनको नमस्कार। तो तू छोड़, यहाँ से जा। मेरी कहानी का नाम है वासव दत्ता। तेरे लिए ये बेस्ट नाम है। ऐसे मत देख, इस बात पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अरे, तो जाओ यहाँ से। हाँ, तो बोलो। ये कहानी है बड़े से एक पहाड़ के पार, ठीक है ना?
पहाड़ के ऊपर एक हसीना, पहाड़ के ऊपर एक हसीना, मुश्किल कर दिया उसने जीना, मुश्किल कर दिया उसने जीना। वो तो खो गई सपनों में, वो तो खो गई सपनों में। तू है तो उसके और पार चली जाएगी, और भी कुछ करेगी क्या? ए, हट जाओ तुम वहाँ से। नहीं हटूंगा। हटना। ए, कहानी खत्म करके तू यहाँ से जाएगी, ऐसे साइन कर दे बस। इसकी तो क्या ये सब, कब से बोले जा रहे हो साइन करके दो, साइन करके दो, साइन करके दो, पर क्यों चाहिए? तुझे पता है इसके ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकते। 7 साल पहले यहीं स्टेज पे कार्यक्रम करने वाले आए वसु के साथ ये भाग गई थी। इसको जानता है, मेरी बीवी है। चलो चलो सब लोग जाओ ऐसे, चलो 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 जल्दी चलो, जाओ जाओ चलो जाओ ऐसे। हाँ चलो 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 जल्दी चलो। क्या छूट गया उसका टेंशन था, लेकिन अच्छा हुआ ना। फिर भी कुछ जगह तो तू डायलॉग भूल गया। कैसे नहीं भूलेगा, इसके मुंह पे देख रहा था तू तो शॉक हो गया था ना, उसका वो हंसी और वो अंदाज। अरे सुनो, दुबई जाओगे तो इसको भी साथ ले जाओ, शेख लोगों के हाथ से बचा के। उन्नी भाई, कलाम भाई देखो। कासिम भाई? हाँ वही, कासरगोड कादर भाई का बेटा कासिम भाई। बहुत सालों से मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा था। मुझे जेल और मेरे बाप को खत्म करने वाले अब तुम लोग नहीं बचोगे। कासिम भाई, मैं आपसे अच्छे से बोल रहा हूँ, उसको छोड़ दो और चले जाओ। नहीं, मुझे बर्बाद किया, अब तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये कासिम भाई की ताकत है। मेरा गला दबाया था, अब भूल मरेंगे। अरे नौटंकी वाले हैं लोग। अरे ये तो म्यूजिकल डांस। तुझे बताता हूँ भाई। सर कासिम छोड़ो, चल छोड़ो, चल छोड़ो कासिम, पकड़ो इसको, चल मत, चल छोड़ना मत, इसे छोड़ना मत, छोड़ना मत, इसे मत छोड़ना, चलो। कासिम भाई ने गोली मार दिया मुझे, कासिम भाई ने गोली मार दिया। ए, ए, चुप, तुमने सपना देखा है? गोली नहीं मारा है, टायर फट गया है। मुझे लगा सीने में गोली मार दी, बच गया। तुम जल्दी टायर बदल लो भाई, ये पंचर का झोल कहाँ दिखाऊं मैं। चलो एक एक चाय पीते हैं। चलो चलो, हाँ चलो, आराम से उतरना सब। पता नहीं किसके सुबह सुबह दर्शन हो गए, बेकार में कासिम भाई से मार भी खा ली और गाड़ी का टायर भी गया। जिम्मी उसकी आंटी के घर गया, इसलिए तेरे बाप को बचा गया। पास में कोई चाय वाला नजर नहीं आ रहा, चलो।
ऐसी चाल चल के क्या हम लोग कोची पहुँचेंगे? कोची पहुँच तो पाए भाई, वहाँ एक अच्छा सा डोसा खाते हैं। यहाँ क्या कुछ भी नहीं है, यहाँ खाने लायक कुछ मिलता ही नहीं है। सुबह सुबह ऐसी बकवास मत कर, जेल वाला खाना अच्छा नहीं था इसलिए मैंने 2 ही बिरयानी खाई। लड़की है ये सोचकर इसको जेल वालों ने अच्छे से देखा है। यहाँ वहाँ छू रहे थे, मैं तो अनजान बन के खड़ा था। जेल को क्यों बोल रहे हो भाई, इसको देख के कभी कभी मेरा कंट्रोल चला जाता है। मेरी जान। वो देखिए सर, सही है ना? सर वो लोग उस मासूम लड़की को छेड़ रहे हैं। अरे बोल ना, मुझे बता। कौन हो तुम लोग? लड़की कौन है? कहाँ जा रहे हो? हम सभी को नींद ना आए इसलिए चाय पीने के लिए निकले हैं। कैसे नींद आएगी तुम लोगों को, ऐसा माल लेके घूम रहे हो? गाड़ी में बैठो सब, चलो चलो। सर हम एक शो करके आ रहे हैं और कुछ नहीं। ओह समझ गया था, शो देख के आ रहे हो, सब समझ गया मैं। चलो चलो गाड़ी में बैठो। सर एक मिनट, मैं आपको सच बताऊं, हम लोग अभी जेल से ही आ रहे हैं। बाहर निकलते फिर से शुरू हो गए तुम लोग। सर मेरी बात तो सुनिए सर। चलो 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 जा रहे हैं, चलो तुम गाड़ी में। एक खूबसूरत लड़की को सामने लाके खड़ा कर दिया और बोलते हो कि वो लड़की है तो यकीन करने के लिए मैं उतना भी गधा नहीं हूँ, मेरे पास भी दिमाग है, समझा ना? मेरी सर बात समझिए, ये लड़की नहीं है सर, हमारे ग्रुप की फीमेल आर्टिस्ट है, कला दर्शना। दर्शना? कला दर्शना? कौन सी आर्टिस्ट है? फीमेल आर्टिस्ट है? हाँ सर, यकीन नहीं तो हमारे फादर से पूछ लीजिए। तो जब तुम्हारे फादर को भी ये गंदी हरकत करनी है? सर 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 एक काम करिए, फुल चेक कर लीजिए। हाँ हाँ करता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही एक केस में सस्पेंशन लेके 6 महीने पहले ही बाहर निकला हूँ मैं। फिर से मेरी हालत खराब करने का प्लान है तुम लोगों का। हंकमे, देखो कि इस लड़की को फिर से किसी ने देखा या कस्टडी में लिया है क्या, जाके चेक करो, जाओ जल्दी जाओ। मेरे ख्याल से सीए सर ने इसको पकड़ा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। डाउट मत करो, वो पकड़ते हैं, पकड़ने में माहिर है वो। जो भी हो, इसको पूरी तरह से ऊपर से नीचे चेक करो तुम, ठीक है? ठीक है सर। जाओ, जाओ, जाओ। ये करना जरूरी है क्या सर? वो चुप रहे। नहीं नहीं नहीं, इधर आ, इधर चल। आराम से आराम से। छोड़िए मैम, दर्द हो रहा है। ये लेडीज पुलिस की शादी हुई है क्या? नहीं, बहुत रिश्ते आए हैं। और असल में हुआ क्या ना कि सब आए लेकिन सब चले भी गए, यू नो लाइन बहुत मारता था ना मैं। ये पुलिस स्टेशन में वही बोलते हैं सब। सर लेडी पुलिस। मेरी उसकी बात है, तुम क्यों सुन रहे हो? चेकिंग होने तक एक शब्द नहीं बोलना है तुमने, समझे? और अपना मुंह बंद करके खड़े रहो। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नई चीजें देखेंगे तो वो मैडम को उससे चलने की ताकत होनी चाहिए ना सर। ताकत बहुत है उसके पास, समझे? मेरे सर। क्या हुआ सर? क्या हुआ? चक्कर आ रहा है। बैठो बैठो बैठो, आया बैठो। अबे पानी लेके जल्दी। बेबी मेरी जान, क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया? क्या देख लिया तुमने? उसने कुछ गलत तो नहीं किया? मैं बताता हूँ, लगता है चेकिंग करते करते कुछ अनजान चीजों से मुलाकात हुई है ना मैडम? हेलो 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 क्या हुआ? अब चैन से सोने भी नहीं देगा क्या मुझे? तुमने देखा क्या? क्या ये? ये पेपर हाथ लगते ही भाग कर आया मैं, अगर यही दौड़ में मैराथन में दौड़ता तो मुझे गोल्ड मिल गया होता अब तक। जिम्मी 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 मनोज, अरे मनोज क्या हुआ? तुम्हारी नींद तो पूरी हो गई, मैं भी सुबह आकर सोया हूँ। अरे सुने दो, क्या कोई चैन से नहीं सो पाएगा? देख पेपर में क्या लिखा है, ये देख। ओ, ये था क्या? ये तो मरने ही वाला था, मरने के लिए बने हैं। वो बात नहीं है, कासिम भाई की मौत पर कला दर्शन वालों पर उनको शक है,
यहाँ पर पूरी लगी पड़ी है और तुझे सिगरेट पीने की पड़ी है। इसे तो पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेट हो गया। आओ आओ, बस बहुत हुआ हा? अब से यहाँ सीखना भी बंद और यहाँ सब कुछ सिखाना भी बंद। प्रोग्राम के लिए दो सेट और लेना पड़ेगा। अब से यहाँ कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? ये सब बंद करो, अब मैं बेकार का कोई काम नहीं होने दूंगा। ये तबला तबला नहीं, यहाँ तुम सबको बदलना पड़ेगा, सबको बर्बाद करेंगे। वापस आ गया, तुझे फेंका था ना मैंने। मेरे इतने लंबे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज मैं किसी को नहीं छोड़ता। ये क्या हो रहा है? धरती फट रही है? आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओहो ओहो, तो तू है। अब ऐसा फेंकूंगा कि कभी वापस नहीं आएगा। अरे अरे, ये कहाँ से आ रहा है? एक को भेजा तो दो दो आ रहे। शादी कर ली क्या इससे? चुधरा, तुझे मैं और ऊपर से फेंकूंगा ताकि तू वापस ना आ सके। फादर, कहाँ जा रहे हैं? फादर, फादर, क्या हुआ? क्या हुआ फादर? फादर, फादर, अच्छा लगा। फादर, नाम क्या है तुम्हारा? फादर, मैं आपकी शिट्टी। ये अपना ऑफिस है फादर। अच्छा। फादर, आप ठीक तो हैं फादर? मरा नहीं हूँ अभी तक। ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फादर, कुछ उपाय बताओ। कला दर्शन वालों पर उनको शक है, ये बात तो आपको पता होगी ना फादर? अरे बस करो, तुम्हारे और कादर भाई के झगड़े की वजह से ये खबर आई है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कभी भी पुलिस यहाँ पे आ सकती है, उन्हें तो कैसे भी संभाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अगर मीडिया वाले यहाँ आ गए और अपने कैमरे में मेरा मुंह दिखाने लग गए ना, तो इससे अच्छा है मैं यहाँ से कूद के मर जाऊँ। वो अच्छा रहेगा, पहले से फादर फोटोजेनिक नहीं रहे। मैं तुझे मार डालूंगा। फादर छोड़ो उसको, तुम लोगों का जल्दी इस मामले से बच पाना मुश्किल है। तो हमारे वापस जाने पर प्रॉब्लम होगा ना फादर? अब अगर मर्डर हुआ है तो शक के आधार पे सबसे पूछताछ की जाएगी। इतने सालों से मुझे ये बीमारी तुम्हें नहीं पता? सुबह सुबह फोन कर रहा है वो। कादिर भाई की मौत से कला दर्शन को क्या लेना देना? किसने मारा उसे? अगर मुझे पता होता तो मैं ही पकड़ के उसे पुलिस के हवाले कर देता ना। मेरी 60वीं वर्षगांठ मनानी थी ना, अब कलेजा ठंडा हुआ कि नहीं? कोई रास्ता है क्या तुम्हारे पास? लेकिन कोई भी क्रिमिनल जेल में पड़े पड़े मर गया, उसमें हम क्यों डरे? हमें डरने की जरूरत नहीं है, है ना? डरो मत, डरो मत, ये पुलिस है। जिसने किया अगर वो नहीं मिला तो जो मिला उसी के ऊपर सब थोप के उसे फंसा देंगे। तो पुलिस वाले फादर को ही फांसी देंगे? क्यों बेटा, तुम्हें मजा आ रहा है क्या? नहीं, वो क्या है, फादर होंगे तो एक साथ रहेंगे ना, है ना, मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल सही। हे भगवान, इन लोगों को किसने यहाँ भेजा? भगवान ने सुबह 6 बजे कॉल किया, मुझे बोला जा। ओह, तुमको बेकार में किसने मैन्युफैक्चर किया? कहाँ है वो महापुरुष? कहाँ है वो जिम्मी? ये खबर सुनते ही वो कहीं तो चला गया। कासिम भाई, कासिम भाई, सर, हमारे कासिम भाई को जिसने भी मारा उसको छोड़ना मत, यही है वो, छोड़ना मत उसको। हटो यहाँ से, मैं आपसे कह रहा हूँ जब तक सजा नहीं देंगे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। हटे यहाँ से, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, चलो निकलो यहाँ से, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, उसे सजा मिलनी चाहिए। चल चल, क्या बकवास करते हैं लोग। कॉन्स्टेबल्स, कम ऑन, चलो यहाँ के मिमिक्री मर्डरर्स को बुलाओ जल्दी। यस सर।
ये तो डोसे के तवे जैसा गर्म है, मेरा पिछवाड़ा पक गया होता अभी, समझा? चलो कमान, तुम उधर जाओ। नो 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 नो, फादर तारकंडा इंटरव्यू नहीं देते, मैं ही सब कुछ हैंडल करती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या है। ब्लडी शिट। नो सर, आई एम शिट्टी बेबी। शिट्टी बेबी हो या कोई भी बेबी हो, फर्क नहीं पड़ता, ये फोन का प्रोग्राम इस तरह से कंटिन्यू करना रॉन्ग बात है। सबसे खतरनाक दो चीजें हैं, मोबाइल और लड़की। ध्यान नहीं दिया तो दोनों का डिस्प्ले उड़ जाएगा, समझ गई? कीप इट अप। सॉरी सर। बैक। पुलिस वाला हो तो ऐसा। सर यही लोग हैं। ओहो, ये लोग हैं, यहाँ आके खड़े रहो। मैं कौन हूँ पता है? आई एम चक्रवर्ती। हेलो। मिथुन चक्रवर्ती, शॉर्ट फॉर्म में मुझे डिपार्टमेंट वाले एमसी बुलाते हैं, सुना है ना? दारू वाला एमसी है। पीने वाला एमसी, ये सुनाने वाला एमसी। ये कौन है? काजल की दुकान। नीचे मत देखो, ऊपर ऊपर। सर आपका ऑब्जर्वेशन एकदम करेक्ट है। थैंक यू। फूल के क्यों खड़ा है? सलमान है क्या? दिखा, क्या मतलब? सलमान खान दिखा। मैं दिमाग में आता हूँ, दिल में नहीं आता हूँ, समझे तुम कि नहीं समझे? मैं समझाऊंगा। साल हुए, ये डायलॉग बदल नहीं सकता क्या तू? नहीं बदल सकता। मेरा डायलॉग वो बोलेगा। कोई बात, बोलो। आगे से कोई मेरे सलमान को इमिटेट नहीं करेगा, समझ गया? तुम जैसे हरामियों की वजह से मेरे सलमान की बॉडी खराब हो रही है, फिर भी उसको परेशान करते हो। मार मार के तुम लोगों की चपाती बना दूंगा, समझा? समझा कि नहीं? क्या बात है, स्टाइल मार रहा है? कौन है तुम्हें? यहाँ आके खड़ा रहे? तुझे शायद रेप और मर्डर करके आदत पड़ गई होगी। एक आदमी को कैसे गला घोट के मारा जाता है बता? दिखाना। अबे तेरा गले नहीं, मेरे इस मजबूत गले में दिखा, समझा? दिखा। बुरा, बहुत बुरा। उसे दबा वरना सर हम लोगों को मार डालेंगे। अच्छे से पकड़। बुरा, बहुत ही बुरा, बहुत बुरा। अबे इतने जोर से दबाया, मेरा मेडुला ऑब्लॉन्ग गटा था, उड़ गया, समझा? आपने दबाने दबाने बोला था तो ऐसे दबाएगा तू? तो इन्हीं हाथों से कासिम भाई का गला घोटा था ना? मैंने नहीं मारा। अरे कातिल है तू? तू नहीं है? क्या हुआ सर? ओह तू नहीं, चुप बैठ, तुझसे नहीं कह रहा मैं। इसे हथकड़ी पहनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मिनटों का काम सेकंडों में करो। ओह कोई छोटी सी रस्सी लाओ और बांध के ले चलो, इसको छोड़ना मत। इधर कोई नहीं है। कहाँ है सब? फादर मदर? इन पुलिस वालों को भी हमेशा सलामत रखें। थैंक यू। बैठिए। नहीं फादर, मैं नहीं बैठ सकता फादर। वो क्यों, पाइल्स की पीड़ा झेल रहे हो? वो नहीं फादर, याद आया मेरा ये चिकना चेहरा। किसका चेहरा है? डिस्टर्ब मत करो फादर, खत्म करने दो, याद नहीं होगा। पैदा हुआ उस दिन से ये छोटा कलाकार कोची के इस कला दर्शना के सामने आके पुकारता था, मिमिक्री किया करता था, समझ गए? जॉनी लीवर की तरह। उस वक्त यहाँ सिद्धिक लाल, जयराम, चलाकुडी, मणि, ये सब छाए हुए थे। उनमें से मैं भी एक आर्टिस्ट था, रिक्वेस्ट की के मुझे भी ले लो। फादर से कई दफा मांग की मैंने, लेकिन मुझे गेट आउट बोल दिया। मैंने भीख मांगी लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई, समझ गए? मुझे गेट आउट बोल दिया, जाने को कह दिया, दैट्स ऑल। फादर मुझे और कोई ग्रुप नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं, यहाँ सीखा तो एक सिनेमा हीरो बनूंगा मैंने सोचा, लेकिन वो सोच पूरी होने नहीं दी। आखिर कुछ नहीं था सामने, मैंने सीधा जाके पुलिस वाला बन गया। आपने मौन मत रखा है जो कुछ बोल नहीं रहे। क्यों, बोलती बंद हो गई? मैं कैसा लग रहा हूँ पुलिस बनकर? देखिए देखिए, लग रहा हूँ ना स्मार्ट? अभी एटलीस्ट इस छोटे से कलाकार को एक छोटे आर्टिस्ट के रूप में तकदीर को बदलने में मदद करिए फादर। करेंगे क्या, करेंगे क्या, बोलिए ना फादर, करेंगे क्या? हाँ, देता हूँ। हाँ, सुकून मिला। अभी फादर यूनिफॉर्म हटाओ, मुझे पकड़ना है। क्या बोल रहे हो? पैर पकड़ने फादर। अच्छा अच्छा, केस को सॉल्व करने के लिए मिमिक्री ट्रूप ज्वाइन करने आए हो? काम करवाने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मुझे ट्रूप में लोगे, प्रॉमिस करो ना फादर। डर करना फादर, प्रॉमिस करो। नहीं छोड़ूंगा।
वाला है, पर यहाँ के नीचे डालेगा उससे पहले आप इससे प्रॉमिस कर लो। अरे देख क्या रहे हो, उठा इसे। जब आए तो क्या पावर और अकड़ थी आप में, तभी आपको मेरी एक्टिंग समझ जानी चाहिए थी। आप सबने देखा ना, मुझे ज्वाइन कर लिया, बोलो फादर। अरे सुनो, इस पैर पकड़ने वाले इंस्पेक्टर के पास क्या कला है देखो जरा। चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं ओके हूँ, ओके हूँ। वो हम देख लेंगे, तुम चलो हमारे साथ। हाँ, जरूरत है, चलो। पैर मत पकड़ो मेरा। पैर नहीं पकड़ रहा, कैप उठा रहा हूँ फादर। चलो 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 चलो। सर, सर आप है क्या? क्यों रे, सुबह सुबह सो रहा है, रात को नींद नहीं आई थी क्या? सर आइए बैठिए। नहीं नहीं, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। सर आप बिना जानकारी दिए चले आए, कोई खास बात? देखो मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। क्या चाहिए थी? लॉकअप में पड़े हुए इस मिनल हमसा को कुछ देर के लिए हमारे लिए छोड़ दो। इसमें मर्डर केस है मुजरिम है सर। मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, 2 घंटे के अंदर इसे वापस कर दूंगा। किसी के हाथ पैर तुड़वाने? अगर ऐसा किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अरे इस चिंदी चोर नौकरी को छोड़ो, क्या इसके पीछे पड़े हो? तुझे मैं अपनी बेबी के गारमेंट शॉप में सेल्स मैनेजर की जॉब दिलवा दूंगा। जितना अभी कमाता है ना, उससे दुगना कमाएगा। नहीं कमाना है सर, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाएगा। इतना डर क्यों रहा है? चल चाबी दे। ठीक है फिर जल्दी से खोलो, मेरे पास टाइम नहीं। अच्छा रहने दो, मैं ही खोल लेता हूँ। अरे नहीं सर, मत खोलिए, काम होते ही लौटा दूंगा। कौन है बे तू? ओह मुझे नहीं जानते क्या? मैं हूँ मंदिर का नया पुजारी, तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आया हूँ। मैं कौन हूँ पता है तुझे? यहाँ के MLA साहब का साला हूँ मैं, और नाम है मेरा अरविंदम। ओहो आप ही हैं क्या अरविंदम? मुझे नहीं पता था, सॉरी सर। तू अरविंदम हो या फिर चाहे अनारकली हो, पुलिस स्टेशन में अगर बकवास किया तो तेरी रीढ़ की हड्डी लात मार के तोड़ूंगा। ओहो, तो तू यहाँ का नया CI है? कॉल, जल्दी कॉल। जल्दी क्या है, तेरे MLA को आने दे, फिर छोड़ता हूँ तुझे। तुम लोग ऐसे ही यूनिफॉर्म पहनकर ऐसे कुर्सी गरम करते रहो। पता है तुम लोगों को ये सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि तुम लोगों को इन जैसे गुंडों के घर में कपड़े धोने का काम मिलना चाहिए, समझे? तुम लोगों को पुलिस की नौकरी नहीं, बल्कि चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम जैसों की वजह से ही पुलिस का नाम खराब हो गया है। सर मैं तो कह रहा था। जाओ यहाँ से। अब तू यहीं पड़े रहे, कभी बाहर नहीं निकलेगा तू, कभी नहीं। अरे कौन है बाहर? कोई नहीं। मैं मेन हूँ, लेकिन ये सब मेरे असिस्टेंट हैं। मैं अन्ना, अन्ना करीना फ्रॉम पंजाब। मैं उन्नी। मैं यहाँ पर मोहिनी अट्टम सीखने आई हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए। आप की मोहिनी लग रही है। चुप बोलिए, आप बोलिए। यहाँ मोहिनी अट्टम सिखाएंगे क्या? हाँ जरूर सिखाएंगे, आइए आप, आइए आइए। मुझे मोहिनी नाटकम, कुचिपुड़ी सब आता है। आइए, क्या बोलना चाह रही है? बॉम्बे में मोहिनी आइटम सीखने आई है, पंजाबी है, तो क्या ये हिंदी में मोहिनी आइटम सीखेगी? तो क्या हम सब पंजाबी सीखे? उसके लिए क्यों पंजाबी सीखना? हिंदी में बोलकर पंजाबी एक्शन करने का। हाय ब्लैक मैन। मैं भी ब्लैक हूँ। हाय। मैं भी ब्लैक हूँ। मैं भी ब्लैक हूँ। हाय। मैं भी ब्लैक हूँ। मैं काला हूँ। काला नहीं है, तू गोरा है। बोल, मैं काला हूँ। कोई बात नहीं, तू काला नहीं है। ये काला नहीं है, ये गोरा है। ये लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम काले नहीं हो। तुम काले नहीं हो, तुम कभी काले नहीं थे, तो आज कैसे काले हो गए? देखो देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, यहाँ सब जानते हैं कि तुम बोले हो। फादर आ गए। क्या हो रहा है, मुझे बताओ। रुकिए फादर, फादर तो सच बोलते ना। फादर आप बताइए, ये व्हाइट है या ब्लैक? फादर आप बताइए। हाँ ये व्हाइट। मैंने कहा था ना, बस बस समझ में आ गया ना। एक टुकड़ा खींच के सुन, चाहे कुछ भी करो पर सीमा पार नहीं करनी चाहिए। तुम लोगों की हरकतों में कोई बदलाव है ही नहीं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ।
रुक जा बेटी, तुम कौन हो? फादर, ये है अन्ना करीना, बॉम्बे से मोहिनी आइटम सीखने आई है। पंजाबी है, इसको हिंदी सीख से नहीं आती। हिंदी नहीं आती तो तकलीफ तो होगी ना? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फादर, मुझे थोड़ी पंजाबी आती है, मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज करने के लिए तू इसका मैनेजर है क्या? बस हो गया ना, चल चलो। देखो बेटी, तुमको यहाँ सीखने में भाषा की दिक्कत होगी, मुझे लगता नहीं कि तुम ये सब सीख पाओगी। कोई बात नहीं फादर, मुझे हिंदी आती है। मेरी मदर टंग हिंदी है, लेकिन मैं रहती पंजाब में। तो पंजाबी में बात कर सकते हैं ना हम? हिंदी में भी बात कर सकते हैं। रुको 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 रुको, इस लड़की का दायित्व जिसके ऊपर सौंप सकूं, वो यहाँ एक ही है। मैं फादर। शिट्टी। हाय फादर। बेटी तुम वहाँ जाओ। एक्सक्यूज मी। तुम लोगों का ये वाला खेल मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर एक बात याद रखना, कासिम भाई का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो अभी जस्ट चालू हुआ है। बहुत ज्यादा खुश मत हो। ब्लैक मैन, बाप ने पैदा तो कर दिया, फिर कोचंडी नाम दे दिया मुझे। हाँ, बस गोरा ही नहीं हूँ मैं, लेकिन सुंदर दिखने के लिए गोरा तो बन सकता हूँ ना। हाँ, करते हैं कुछ। आप देखो मेरा कमाल। मजा नहीं आया, एक लेयर और मारनी पड़ेगी। खराब है यार, क्या करूँ। कौन हो? अम्मी आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हाय फैसल। अम्मी ये फैजल मोहम्मद है, कॉलेज में मेरे सीनियर थे, अभी यहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर हैं। कासिम भाई का केस फैजल ही देख रहे हैं। आओ फैजल। क्या बेटी तुम भी एक पुलिस ऑफिसर को नाम से बुला दीजिए अम्मी, ये तो मुझे कॉलेज टाइम से ही मेरे नाम से बुलाती आई है। फिर भी बड़ों को नाम से नहीं बुलाते हैं। वो ओल्ड फैशन है अम्मी, अभी तो सॉरी, चलता हूँ डूड, ऐसा बोलते हैं। तुम लोग बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आओ फैजल। अन्ना करीना, तुमने अपना जवाब हंसी में ही रोक दिया। अन्ना करीना नाम से मोहिनी अट्टम सीखने के लिए तुम काला दर्शना गई थी, इसके पीछे क्या वजह है? नथिंग, कासिम भाई की मौत के बाद सब अपसेट से हो गए हैं। ऐसे अम्मी को अकेले छोड़कर मुंबई जा भी तो नहीं सकती मैं, तो सोचा मैं अपनी डांस प्रैक्टिस ही कंटिन्यू कर लेती हूँ। मैं कादिर भाई की बेटी हूँ बोल के काला दर्शन जाऊंगी तो वो मुझे नहीं लेंगे, इसलिए मैं ऐना करीना बन गई। उसके साथ कासिम भाई की मौत के पीछे का राज जानने की छोटी सी इच्छा है, पागलपन है मेरा। तो मैं अपना इन्वेस्टिगेशन रोक कर वापस चला जाऊं क्या? शायद जरूरी हो। मेरे कासिम को जिसने मारा उसको छोड़ना मत बेटा। वैसे अम्मी, इसी रीजन की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। लो, एक और आ गया।
देखो हम दोनों कितना हंस रहे हैं, तुम इतना सीरियस क्यों बैठे हो? हीरो हूं ना इसीलिए। अच्छा ऐसी अरे, बात है। वो देखो मिमिक्री सीखने वाला नया पुलिस वाला आ गया। पुलिस वालों को और कोई काम नहीं है क्या? ला दर्शन में शो करेंगे तो मूवी में चांस मिलेगा ऐसा लगता है इनको। हाँ देखते हैं, वो एमसी के जैसे अकड़ दिखा कर रोएगा तो उसको भी दिखाते हैं। हाँ चलो इसको भी सिखा देते हैं मिमिक्री। वेलकम वेलकम सर। नमस्ते सर। काला दर्शना के मेन कैरेक्टर्स तुम ही लोग हो? हाँ हम ही लोग हैं सर। ठीक है, फादर से बात करनी है। फादर जो है वो मौन व्रत पे, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाएगी। ये ह्यूमर मिमिक्री मुझे पहले से ही पसंद है, तो मैं आपको देखते ही समझ गया था। सर आप क्यों आए हैं? कोई चंदी ने बताया हमें। सर आपको मिमिक्री सीखना है तो पहले हमारे शिट्टी बेबी के पास आपका नाम रजिस्टर कराओ। रजिस्टर करना तो है। ऐसे सलमान के जैसा मसल्स टाइट मत करो सर। अबे चुप हो जाओ। ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको वो नीम की लकड़ी चाहिए? इससे पहले बॉडी स्विंग करो, वर्कआउट करो, दिखाना कैसे करना है। सबसे पहले तो टोपी और यूनिफॉर्म निकाल के रख दो, नहीं तो फट जाएगा। डंडा इधर दे दो। अरे तुम लोग पुलिस के कपड़े उतरवाओगे? स्टेज पर चढ़कर पॉलिटिशियंस की नकल करते हो, उस तरह मेरे साथ मत करना, समझ गए ना? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम सबकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। ये मुझे दे, हट। कौन है रे? असली वाला? मेरे को कौन बुलाइए? मिमिक्री सीखने आया है। कैसे अंदाजा मत लगाना। क्या हुआ सर, क्या बात है? अभी फादर है क्या? हाँ जी। क्या बात है बताइए। कासर गॉड कासिम भाई की मौत हुई, आपको पता है क्या? वो पता है, लेकिन मेरे बच्चों का उसमें कोई हाथ नहीं। हाथ है या नहीं वो देखना फादर का काम नहीं, पुलिस का है। सर बहुत पहले कादर भाई और उसके बेटे कासिम भाई को पुलिस के हवाले इन्होंने किया था, यही इनकी एकमात्र गलती थी। लेकिन जेल के अंदर घुसकर कासिम भाई को मारने की ताकत मेरे बच्चों में नहीं है, वो बेकसूर है। एक फादर की रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं हो जाती सिटी से कोई बाहर नहीं जाएगा। बुलाने पर तुरंत पुलिस स्टेशन आना होगा। मेरे अब्बू, मुझे अपने अब्बू से मिलना है। बेटे, तेरे अब्बू, निकल जा यहाँ से। बेटे कासिम, छोड़ दे। निकल जा यहाँ से। और अपनी शक्ल मत दिखाना। बेटा, रुक। हाँ अमीर, अमीर, अम्मी और असिया जिसको नहीं अपना है, वही मासूम लड़का, अमीर अजमल। मुझे पता है, आप लोगों को अभी भी मुझसे नफरत है। ऐसा मत बोलो बेटा, अंदर आओ, आओ। खुदा को प्यारे हुए कसीम भाई के स्थान पर मुझे नहीं देख पाएंगे आप लोग। दो अम्मियां हैं लेकिन एक ही अब्बू के दोनों बच्चे हैं हम। मैंने ऐसा ही सोचा है। उस दिन जो हुआ किसी भी औरत के नजरिए से तभी सही लगा था बेटे, वो सब दिल में मत रखो। रसिया, ये अपना भाई याद है तुमको? कैसे याद होगा, जब भी तुम लोगों से मिलने आने की इच्छा होती थी कासिम भाई ने कभी मौका नहीं दिया मिलने का। वही नहीं, एक ही खून के मेरे अब्बू गुजरे तो उनको भी मुझे नहीं देखने दिया गया। वो पुरानी बातें याद दिलाने में नहीं आया। बहुत गलतियां की हैं कासिम भाई, लेकिन उनके मौत के पीछे कौन है उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। आप दोनों फिक्र मत करो, आप लोगों को शारजा ले जाने के लिए आया हूं। वहां पर आप लोग सही सलामत रहेंगे।
और वहाँ पर मेरे साथ शारजा में आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं। उसकी जरूरत नहीं है आमिर भाई। जरूरत है रसिया, आप लोगों को यहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहिए। रसिया समझ रही हो ना, कासिम भाई के साथ जो जेल में था वो अब्बू के राइट हैंड है अली भाई, वो अभी कहाँ है? ले जाके बंद कर दो। एक्सक्यूज मी सर, आई एम आमिर अजमल फ्रॉम शारजा। यस अली खान, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है? अली खान, तुम बताओ मेरे भाई कैसे मारे गए? तेरे जानकारी के बिना वो नहीं मारे जाएंगे। बताओ। मेरे कासिम भाई को क्या हुआ? चुप रहे, भाई के कातिल का तलाश कर रहा है। इतने साल तू कहा था, इससे पहले तू एक बार भी कासिम भाई से मिलने या पूछने के लिए आया था? अभी मर गया पता चला तो रिश्ते निभाने आया है। कब तुझे ऐसे भाई की जरूरत पड़ी? अली खान, चिल्ला के मुझे डराने की कोशिश बेकार है। इतने साल साथ रहे मेरे कासिम भाई गुजरे नहीं, किसी ने मारा है।
इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम जा सकती हो। मेरे भाई को जिस शैतान ने मारा वो कहीं भी नर्क में हो, ये आमिर अजमल उसे ढूंढ कर निकालेगा। ऐसे जाएगा तो हमें जल्दी वापस जाने को मिलेगा ऐसा नहीं लगता है। हमारे फोटो के साथ सभी एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में रिपोर्ट भी गई है। शुक्रवार के पहले बेंगलोर नहीं पहुंचे तो वापस आने की जरूरत नहीं है, मैनेजर ने बोला। ये सब कुछ इस फादर की वजह से हुआ है। फादर ने क्या किया इसमें? फादर की तो बात, फादर की 60वीं सालगिरह मनाने गए तभी हुआ ना ये सब। सही कह रहा है, क्या जरूरत थी 60वीं सालगिरह मनाने के लिए? उसी दिन मनाना था क्या? तब तक फादर जिंदा भी तो होने चाहिए थे ना। वो बात भी है, कल भी फादर की प्रार्थना सुना था मैं। मुझे जल्दी बुला लो भगवान, ये सब कह रहे थे, बुला लो बुला लो बुला लो। सच बाहर आना चाहिए, किसने मारा होगा कासिम भाई को? अगर कातिल का नंबर मिल जाता तो फोन करके पूछ सकते थे, है ना? पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछो तो। अरे जाए ना यार, पुलिस वालों को कातिल को पकड़ना आता है, नंबर ढूंढना नहीं आता, समझ गया? चुप रहो तुम दोनों। मेरे दिमाग में एक बेस्ट आइडिया आ रहा है, कहो तो बताऊँ। क्या है वो आइडिया, बता जरा। प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में अगर हम ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे तो। चुप रहे प्राइवेट डिटेक्टिव, इसके ऊपर भेस बदलने के केस में पुलिस वाले हमें मारेंगे। वो देख कैसे खड़ा, जैसे इसको किसी बात की टेंशन ही नहीं है। अकेले में तू इतना क्या सोच रहा है? जेल के प्रोग्राम के बाद किसी रिलेटिव के पास जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर कहाँ गया था तू? अब मैं अपनी आंटी से मिलने के लिए। कौन सी आंटी? तू पहले से झोला रहे, हमें पता है सब। सच बता, कासिम भाई को तूने ही मारा है? सही है, कासिम भाई को मैंने ही मारा है, क्या करेगा? तो हम बच गए, अभी के अभी जिम्मी भाई को पुलिस के हवाले कर देते हैं, फिर हम बच जाएंगे। करते हैं। बुला बुला, पर मैं अकेले अंदर नहीं जाऊंगा। अब बुला। बड़ा पुलिस को कॉल कर। हे माँ, कैसे घटिया समय में जेल में प्रोग्राम करने की सोच आई? मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करना, मुझे डराना मत, बहुत डर लग रहा है माँ। क्या हुआ? फादर आपने तो कहा कि मच्छरों को मारो। मारा क्या तूने? हाँ बहुत मारे। फिर ये मच्छर की भनभनाहट कहाँ से आ रही है? वो जिस मच्छर को मारा उसके बीवी बच्चे रो रहे हैं, उनको भी तो दुख है ना। तू जरा पास है? ये स्मेल कैसी है, तूने पी है क्या? सच में मैंने नहीं पिया है फादर। झूठ मत बोल, मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे रे फादर, आज मत दिखाओ, कल दिखाना अच्छे से। अरे हर दिन पिएगा तो तुझे आदत पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है फादर, पिछले 10-15 सालों से ऐसे रोज पी रहा हूँ, अभी तक मुझे आदत नहीं लगी है। तुम लोगों को यहाँ रख के झेल रहा हूँ, मुझे नहीं, नहीं, नहीं। वो सब मैं नहीं कर सकता, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं बीवी बच्चों को मारता हूँ। किसके? मरे हुए मच्छरों के। मर गई तू, अब मरेगी। ऐसा होता है क्या प्रभु? हाय जिम्मी। हाय रेड रोज, लाल गुलाब। क्यों, पसंद आया? पसंद आया, फूल मुझे बहुत पसंद है। ये तुम्हें कैसे पता चला डार्लिंग, बताओ? उसमें क्या पता करना, प्लास्टिक के फूलों के आने से ये असली फूल मुझे देने वाली मेरी प्रेम पुष्पा, मेरी अन्ना करीना को मेरे दिल के वाइंस में आने के लिए मेरी प्रेम पुष्पा को 100 बार। इस रेड रोज का वैसे एक मतलब और भी है। hey, मतलब उस दिन पीला फूल चाहिए बोलकर रोया तो मम्मी के हाथों बहुत पीट गया, लेकिन आज ये पीला फूल देकर ही रहूंगा डार्लिंग। देखता हूँ उसी वजह से पीले फूल के ऊपर बैठे मक्खी के जैसे कुछ उंडी के लिए लेके आई हूँ। थैंक्स। सफेद फूल देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन सूंघते वक्त ध्यान देना चाहिए वरना नाक में कीड़ा चला जाएगा। सच में उन्नी एक बहुत अच्छा कवि है। होने वाला ही था, लेकिन बाली उम्र में बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मेरी कविताओं की लाइनें बिगड़ गई डार्लिंग। उसके बाद परिवार बना, बच्चे हुए, वो सब ऐसे ही होता रहा। ओह व्हाट अ सरप्राइज, लेकिन उन्नी अभी भी स्मार्ट है। बेबी क्या तुम्हें पता है, ये मेरा रूप बेशक काला है लेकिन मेरा मन अंदर से पूरा सफेद है डार्लिंग। श्री कृष्ण के जैसा काला है मेरा खुचंडी, बांसुरी बजा रहे हैं छोटे कृष्ण जैसे। कुछ
तुमने मुझे कृष्णा बनाया वो सोच रहा था मैं कृष्णा तुम राधा। क्या कर सकते हैं, इतना अच्छा आदमी है फिर भी ऐसे एक मर्डर केस में कैसे फंस गया। जेल में टाइट सिक्योरिटी में जा रहे कासिम भाई जैसे क्रिमिनल को हम कैसे मार सकते हैं। जो भी है वैसे हुआ वो मेरा सौभाग्य है ना जिमी, इसलिए तो मैं तुमसे मिल पाया डार्लिंग। अभी ये रिश्ता बीबी से छूट। कासिम भाई कहीं और नहीं, इधर के सेंट्रल जेल में ही मारे गए हैं। वो मिमिक्री वाले उनसे बदला लेना चाहते थे। इस हत्या के पीछे मिमिक्री वालों का हाथ है, मीडिया वालों ने छापा भी, फिर भी आपने उन्हें अरेस्ट नहीं किया, क्यों? आपको कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर आमिर, हम मीडिया वालों के कहने पर नहीं चलते। जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होते हम किसी पर कार्रवाई नहीं करते। शक के बिना पर बेगुनाहों को जबरदस्ती पकड़ कर और उन्हें पीट कर सच कबूल करवाने का जमाना चला गया है मिस्टर आमिर। लोहा खाकर पचाने के लिए गर्म पानी पीने जैसी बातें कर रहे हैं आप। आखिर आपने पुलिस को समझ कर रखा है, डिपार्टमेंट्स के अपने कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। सॉरी, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। कासिम भाई को गुजरे इतना समय हो गया फिर भी मुजरिम पकड़े नहीं गए, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। हमारे अब्बू भी ऐसे ही जेल में गुजरे थे। अब्बू के जैसे ही भाई की मौत को भी दफनाया नहीं जाना चाहिए। वो मुझे सब पता है रसिया, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो मुजरिम पुलिस की कस्टडी में होगा। मिस्टर फैजल सर, डीआईजी के ऊपर भी हाथ उठाया है इस कासिम ने, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि उसकी होल्ड है पार्टी में, समझ गए ना? उसको एक ही कॉल में सारी सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं। फिर भी जो मारता है वो मरता है ना, वही यहाँ हुआ है। इस मर्डर के पीछे कौन हो सकता है, क्या आपको किसी के ऊपर शक है सर? उस मिमिक्री वाले के साथ झगड़ा हुआ है, आई थिंक दे आर बिहाइंड दिस मर्डर। इस पुलिस स्टेशन में इतनी कड़ी सिक्योरिटी रहने के बावजूद उस कासिम भाई को वो बेचारे मिमिक्री वाले कैसे मार सकते हैं सर? सर आपके जैसे ब्रिलियंट और स्मार्ट पुलिस वाले की आंखों के सामने, वो भी जब 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा ऑन रहता है, तो ये सब करना इस कैमरे के सामने इम्पॉसिबल है। सही कहा ना सर, ये इम्पॉसिबल है। यस यू आर राइट, लेकिन उस रात इस कैमरे में कोई कंप्लेंट था। नया इक्विपमेंट है ये बोलकर क्या मतलब, हमेशा ऐसे ही है ये। लेकिन इसके जैसे क्रिमिनल्स जिंदा हैं, इस एक के मर जाने से क्या हुआ? किसको इस केस में इतना इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट को, लोगों को, परिवार को? किसी को भी नहीं होगा। ये सारी चिंताएं और परेशानियां तुम्हारी इस नई यूनिफॉर्म के लिए हैं। मैं भी ऐसा ही था, पर जैसे ही मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस आया सब बदल गया। अब पता चला कि इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर ये सब बताने के लिए। हाय जिमी। हाय करीना। करीना तुम दो दिन से दिखाई नहीं पड़ी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे क्या हो गया तुम्हें? कुछ खास नहीं, वीकनेस थी, दैट्स ऑल। ओह बस इतना ही, लेकिन तुम दो दिन से आई नहीं करीना, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था। और कुछ नहीं? मुझे भी फील हुआ। रियली? करीना मेरे मन में कब से एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ कब से खड़ा हूँ। बोलू क्या? हाँ बोलो। करीना तुम्हें क्या बताऊं, मेरी और मेरी पत्नी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ओह क्या हुआ लेकिन? अरे तुम वो सब छोड़ो करीना, तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा, सिर्फ एक बार बोलो करीना। लगता है कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। करीना, करीना मैं एक बात पूछूं तो फ्रैंकली मुझे एक ओपिनियन चाहिए, होगा क्या? क्या बात है उम्मी? और कुछ नहीं, ये छोटे घर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो क्या है? नहीं पता। नहीं। तमिलनाडु में होने वाले एक टाइप का पारिवारिक अरेंजमेंट है। बीवी होने के बावजूद जो लड़की पसंद हो उसको कोई और घर में रखने को कहता है तो उसे कहते हैं छोटा घर, और इंग्लिश में स्मॉल हाउस बोलते हैं। अनपढ़ लोग उसे न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इस वक्त मेरे हालात भी कुछ ऐसे ही है करीना, एक पत्नी व्रता, वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, हम उसे बदल देते हैं। मैं ओपन होके बोलता हूँ, किसी को बोलना मत, मेरे छोटे घर में करीना को सुस्वागतम करता हूँ मैं, तुम आओगी ना? लगता है कोई आ रहा है, हम बाद में मिलते हैं। हाय करीना। अरे कुचंडी तुम ऐसे ढककर क्यों आए हो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? इस दुनिया में कोई देखे तो भी
ये यूनिवर्स में किसी ने रोका तो भी मेरे इस रोमांस में कोई कमी नहीं होगी डार्लिंग। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिर्फ तुम्हारे बिना डार्लिंग। क्यों ऐसा खास रहे हो? ए, थोड़ा सा वायरल हो गया है लेकिन उतना भी नहीं है डार्लिंग। थोड़ी दवाइयाँ खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा जानम। तुम इतना मत घबराओ मेरी जान। ऐसे वक्त पे बुखार होने से बचना चाहिए ना। वो तो मैं बस एक रिसर्च कर रहा था। रिसर्च? हाँ वही, बुखार की दवा अगर फ्री में मिले तो बुखार आएगा कि नहीं आएगा यही देखने के लिए बारिश में खड़ा था। रिसर्च सक्सेस हुआ, बुखार आया लेकिन अलग अलग दवाइयाँ खाने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ डार्लिंग, मुझे गर्माहट की बहुत जरूरत है। श्री कृष्ण के रूप के इंसान हूँ, भगवान ही कोचंडी को बचा लेगा। थैंक यू। अरे बापरे कोई तो आ रहा है, एक काम करो तुम भी जाओ मैं भी जाता हूँ। सब सेट हो रहा था लेकिन इधर छुप जाता हूँ। करीना मेरे प्यार को कभी भी नहीं ठुकराएगी। मुझे भी वही भरोसा है। मेरा भी। भी है। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? मैं इसके अंदर शांति से सोने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर हवा खाने के लिए आया हूँ। हाँ, अरे लेकिन हाँ। आवाज मत करो, मैं यहाँ पिक्चर देखने आया हूँ। आओ फादर, कला दर्शन का एक नया आइटम मैं आपको दिखाता हूँ। क्या है वो? पता है फादर, मैं सिर्फ मिमिक्री नहीं करता, अरे मैजिशियन भी हूँ। क्या? हाँ दिखाओ तो। दिखाता हूँ, मुझे इस ट्रुप में मेन जगह मिलना चाहिए। हाँ, पहले दिखाओ। हाँ, स्टार्ट करता हूँ। पर अपने जिम्मी उन्नी और कोचांडी कहाँ है? वहाँ पे है। वहाँ पे? हाँ। ठीक है, उन तीनों को मैं अभी इसके अंदर डालता हूँ। हाँ यही तो मेरा मैजिक है। ओ उन्नी, जिम्मी, कोचांडी, ओ या, इसके अंदर आ जाएं। हाँ फादर खोल के देखो। फादर आओ खोल के देखो, लेकिन हाँ मुझे मेन बनाना। जिम्मी अब उसको भी खोल के देखो। उन्नी अब ये वाला खोल के देखो। ये भगवान कोचंडी। अरे फादर ये क्या, मैं तो आपका भी डबल रूप दिखाता हूँ। देखना है? आइए आइए आइए। आंखें बंद करिए, अब आंखें खोलिए। सुनो मुझे लग रहा है मेरे सर के बाल गिर रहे हैं। मैं फादर से प्रार्थना करके आता हूँ। हाँ जाइए जाइए, मैं भी आता हूँ। हम लोग अंदर छुपे हुए, ये फादर को क्यों बताया तूने? ज्यादा बकवास किया तो जो भी यहाँ असलियत में हुआ है मैं सब फादर को बता दूंगा। वो तो मैं मजाक कर रहा था, मिमिक्री सीखनी है ना। चल चल चल। ओके तो अब मैं गाना गाऊंगा, तो हर एक गाने पे एक्टर्स के एक्शन और फेशियल एक्सप्रेशन बदलते रहना। ओके रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। के लिए गाड़ी खड़ी है। आमिर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कभी भी पुलिस यहाँ आ सकती है।
मुझे यहाँ से बचना है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरे भाई के कातिलों का पता लगाना है। उसी के लिए मैंने तुम्हें इतना रिस्क लेकर जेल से बाहर निकाला, समझ रहे हो ना? मेरे अब्बू और भाई जेल गए सिर्फ और सिर्फ मिमिक्री वाले ग्रुप की वजह से, और वो लोग मुझे चाहिए। हाँ, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, कोई भी रास्ते से सुरक्षित बाहर देश लेके जाना होगा। आई मीन शारजा। ठीक है, पहले एड्रेस बदल लो। करीना, सब लोगों को करीना ने फूल दिया है सुना, सिर्फ मुझे ही नहीं दिया, लेकिन उसके लिए मुझे दुख नहीं है करीना। ये देखो मैं लाया फूल, पता है इसको तोड़ने के लिए मैं इसके पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और बहुत ही मुश्किल से तोड़ के ला पाया। इधर देखिए मेरे शरीर पे निशान भी है, लो ना। मुझसे ज्यादा तुम पर जचता है ये। सिर्फ फूल ही नहीं, करीना भी मेरे लिए जचती है। आ करीना, कल मेरा पहली दफा है, मेरा मतलब पहला शो है वहाँ कोलांडी में। यूनिफॉर्म के अंदर के कलाकार को मैं कल बाहर निकाल के दिखाऊंगा। करीना आए कि ना मेरा शो देखने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा भी आएगा वहाँ पे। अरे बाप रे, अरे जरूर। अरे मम्मी, वो जेल से भाग गया, भागो भागो। कुछ नहीं, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं मालूम, भाग नहीं बोला। अरे भागो भागो। अरे हाँ तो उतना ही ना, अरे वक्त बर्बाद मत करो, भागो भागो। तो बताओ मुझे तो सही, कासिम भाई के साथ वाला अली खान जेल से फरार हो गया। अरे उतना ही ना, तो वक्त बर्बाद मत करो, भागो। अली खान हम सबको यहाँ मार देगा भाई, क्या करें, इसलिए मैं अपने दूर के छोटी मम्मी के यहाँ जाकर रुकूंगा। शांत हो जा यार, अगर अली खान जेल से फरार है तो उसमें भला हम क्यों डरे। देखो अगर ऐसा है तो कोई लांडी का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा पहला प्रोग्राम है और उसको बर्बाद करने के लिए वो जेल से फरार हुआ है। अभी अली खान तो क्या, अगर शाहरुख खान भी आया तो भी हम कोलांडी वाला प्रोग्राम करेंगे ही, समझे? ये लगता है पागल हो गया अभी से। देखो प्यारे दोस्तों, आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं कोचिन कला दर्शनियों का मैजिक म्यूजिकल नाइट्स यहाँ चालू हो रहा है। भक्तजनों, भूमि से गुजर कर परलोक पहुँचते ही वहाँ पर दो स्त्रियों का चित्रगुप्त इंक्वायरी कर रहे हैं, उसका एक मजेदार दृश्य है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दो आत्माओं के साथ आप लोगों का भी यमलोक में स्वागत कर रहे हैं, तालियां। गुप्त भाई, नमस्कार गुप्त भाई। क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? नाम कामाक्षी है। कामाक्षी, पृथ्वी लोक पर आपका क्या काम है? हाउसवाइफ का काम था। ठीक है, ये परलोक में तुझे सच नहीं बोलना चाहिए, पता है ना तुझे? हाँ पता है। तो बोलो, कम ऑन प्रोसीड। मैं और मेरे पति का छोटा सा परिवार था, बहुत ही खुशी के साथ, सुख और शांति के साथ जी रहे थे। अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बस 12 बच्चे थे। तो फिर बहुत पीड़ा झेली होगी। नहीं, सब के सब ऑपरेशन से हुए थे, कोई तकलीफ नहीं हुई थी। बुढ़िया। अरे बुढ़िया बोल रहे हैं मुझे, बुढ़िया बोलने के लिए मेरी उतनी उम्र है क्या? ओके ओके। तो मुझे स्वर्ग मिलेगा ना गुप्त भाई जी? हाँ, 12 बच्चों को पैदा किया, उस एक्सपीरियंस से मैं तुझे स्वर्ग की आया बनाता हूँ। सबसे सीनियर आया। वो रहा स्वर्ग जाने का रास्ता। अरे जाओ जल्दी, खड़ी खड़ी मुझे क्या देख रही हो? गुप्त भाई नमस्कार। नमस्कार, किधर किधर से आ जाते हैं स्वर्ग जाने के लिए? नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी गुप्ता जी। यस, योर गुड नेम? माय नेम इज पद्माक्षी। पद्मा, कमल, लोटस। थैंक यू गुप्ता जी। व्हाट अ लेक। गुप्ता जी आप क्या सोच रहे हैं? नथिंग, आई थिंक नथिंग। बेटी अपनी लाइफ स्टोरी ओपन करो। मेरी लाइफ स्टोरी इज ओपन डिक्शनरी गुप्ता जी, मेरे प्राइवेट अफेयर्स को भी कलंक लगने नहीं दिया क्या गुप्ता जी? मुंह पे लाली ज्यादा है फिर भी मन की काली की कमी नहीं। अरे तुम बहुत कमाल हो पद्माक्षी। बोलो रे। मैं एसएससी में थी तब एक आदमी से प्यार हो गया, प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कलाम। हाँ, वो नाम काफी सुना सुना है। स्कूल में थी तो सेतुरामन अय्यर से प्यार हुआ। हाँ, सीबीआई। 12th में भारत सिंह से प्यार हुआ मुझे। IPS. आखिर ये प्यार व्यार सब पता चला तब एक बीवी को मारने वाले डिवोर्सी से मुझे शादी करनी पड़ी। है?
वन मिस्टर मठाई। वही जो शॉप में मिठाई बेचता था। कैसे पता चला आपको? मैं तो सिर्फ गेस कर रहा था। आप बेटी कंटिन्यू करो। क्लाइमेक्स के वक्त मठाई को छोड़कर मैं कोट्टायम कुंजाचन के साथ मन ही मन भाग गई। बताइए मैंने गलत क्या किया? बढ़िया किया। बोलिए गुप्ता जी, मैं गलत हूँ क्या? नेवर, कभी भी नहीं। तो फिर मुझे स्वर्ग मिलेगा ना गुप्ता जी? नो, कभी भी नहीं। मैं तुझे कभी भी स्वर्ग के दर्शन नहीं कराऊंगा। मैं उतनी पापी हूँ? इतनी पापी क्या मुझे नरक भेज रहे हैं? नहीं पद्मा, इतना एक्सपीरियंस है मुझे। तुमको मैं चित्रगुप्त अपने बेडरूम में लेके जा रहा हूँ। आओ डार्लिंग। और आपके सामने अगली पेशकश है सिनेमैटिक डांस। मैं लड़की नहीं हूँ, मेरा नाम कोचंडी है। अरे सुनो, वो जो पुलिस वाला जैसा दिखता है ना, वैसा नहीं है। उसने तो कमाल कर दिया। ठीक, उससे बढ़कर होना चाहिए वरना हमारे लग जाएंगे। अरे वो अपना स्टार नहीं दिख रहा है, वो यही कहीं होगा। देखो थोड़ी देर पहले लड़कियों के बीच में घूम रहा था वो। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो रासलीला मना रहा होगा। एक बार ऐसे ही प्रोग्राम के वक्त लेडीज टॉयलेट में घुसा, उसके लिए जिम्मी को धोया था, याद है ना? फोन लगाओ उसे, उसकी वजह से प्रोग्राम लेट हो रहा है। स्विच ऑफ है, अब इसका क्या करूं मैं? तू बाहर जाके देख जरा। ए, डांस अभी खत्म होगा, बता रहा हूँ। काउंटर का लड़का नहीं है तो क्लाइमेक्स। जिम्मी यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अगला प्रोग्राम जिम्मी उन्नी मनोज टीम का सुपर कॉमेडी स्टिक गाउंडर की गलती शुरू होगा। छे, ट्राई अगेन 3 घंटे से चल रहा है, जिम्मी का कॉल नहीं लग रहा है। फादर, जिम्मी को जरूर कुछ हुआ है, ऐसा मेरा मन बोल रहा है। प्रोग्राम शुरू होने के थोड़ी देर पहले वो किसी से बहुत जरूरी बात करते हुए दिखा था, लेकिन कौन था ये नहीं पता। उसके बाद वो गायब हो गया। किसी से बात कर रहा था, गायब हो गया? ऐसे बोल रहे हो जैसे वो कोई छोटा बच्चा है। मुझे एक डाउट है, जेल से फरार अली खान के लोग आए थे क्या उस दिन? हे मेरे यीशु, किस बात का बदला ले रहे हो? मुझे कुछ तो शांति दो। अभी उसको कहां जाके ढूंढेंगे? सुबह सुबह बेड कॉफी हाथ में लेके न्यूज़पेपर देखने बैठे हो सर। हर महीने प्रॉपर तनख्वाह मिलती है ना तुम जैसे ऑफिसर को, और टाइम पास करते हो। मर्डर के इतने महीने हो गए और मेरे भाई के कातिल को तुमने अभी तक नहीं पकड़ा, क्यों चुपचाप बैठे हो? मिस्टर सीआई, मैं और असिया उस दिन पुलिस स्टेशन आए थे तो तुमने क्या बोला था? अगले ही दिन तुम कातिलों को पकड़ कर जेल में डाल दोगे। कातिलों को पकड़ने में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, और यहाँ पर बैठे बैठे मजे कर रहे हो। यूनिफॉर्म पहन के मुछों को ताव देके लड़कियों के सामने शाइन करने से कुछ नहीं होगा। एक एफिशिएंट ऑफिसर की एबिलिटी कीप अप करने आना चाहिए। बस करो, सुबह सुबह मेरे क्वार्टर पर आकर मुझे सिंसेरिटी का पार्ट मत पढ़ाओ, समझे? तुम रसिया के भाई हो, इसी वजह से मैं तुमसे सही से बात कर रहा हूँ। पुलिस की तरह बात करने पर मजबूर मत करो। पुलिस अगर पब्लिक को थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखाती है तो पुलिस को तुम लोग कुछ भी गलत बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। कासिम भाई के कातिल को कैसे ढूंढना है ये पुलिस को बहुत अच्छे से आता है, हम उसे ढूंढ लेंगे। वो सब तुमसे नहीं होगा, नुकसान मेरा हुआ है, मेरा भाई नहीं रहा, इसलिए कातिल को पकड़ने का काम मैंने ले लिया है। अब तुम कुछ मत करो। एलेक्स, ये लो, ये है जिम्मी। इस कुत्ते के बच्चे ने मेरे भाई को मारा। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें तो इसी से पूछ लो ना। बोलो, कासिम भाई को तुमने मारा? हाँ सर, मैंने ही कासिम भाई को मारा है। क्या हुआ फादर? उस जिम्मी ने हमें धोखा दिया बच्चों। जिम्मी, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ तुझे? आखिर क्या हुआ मुझे तो बताओ, तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा मैं। तू किसी को नहीं मार सकता, ये पता है हमें। सच बता, क्या हुआ जिम्मी? बोल क्या हुआ है?
कुछ भी गलत हुआ है तो संकोच मत करो, खुल के बोलो। तुझे बचाने के लिए किसी का भी पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। फादर, मैं फादर, पापियों का पाप सुनकर उन्हें मोक्ष दिलाने की जगह नहीं है पुलिस स्टेशन, कैदियों की जगह है ये। इसमें कुछ धोखा है सर। जिमी निर्दोष है, कैसे भी उसे बचाइए सर। इन सब चीजों के लिए कोर्ट तो बना है, पर आज और कल छुट्टी है, इसी वजह से मंडे को इसे कोर्ट में हाजिर करेंगे हम लोग। उसके बाद इसे जो कुछ बोलना है वो कोर्ट में बोल देगा। लेकिन जिमी ऐसा नहीं करेगा, एक मर्डर करने का जिगर है उसमें, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे डिसाइड मत करो डायरेक्टली, कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे जिम्मी नहीं कासिम भाई को मारा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, तू डिसाइड मत कर, फादर ने उसके लिए रिहाई का इंतजाम किया है, पहले उसको घर तो वापस आने दो। कितने मंत्रियों, कितने लोगों के सामने हाथ जोड़ा है तब जाके तू रिहा हुआ है, ऐसी हरकत करने के लिए, मेरी 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ आए थे तुम लोग? मुझे नहीं मिलना है किसी से, चले जाओ यहाँ से। फादर, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मुझसे ऐसा होगा फादर? फिर तूने उसका खून अपने सर पर लिया क्यों? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। नो मिस्टर आमिर, आज मुझे किसी भी हालत में जाना है, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो कर दिया, हमारी बीच की डीलिंग के हिसाब से। आज तुम मुझे आधी रात को 12 बजे की फ्लाइट से मुझे शारजा भेजोगे, और अब ये कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो पाएगा? अली, तुम एक जेल से फरार मुजरिम हो, तेरे जैसे को एयरपोर्ट से जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ओहो, तो तुझे ये बात समझने में इतनी देर लग गई? कासिम भाई को जिसने मारा वो जेल में है, अभी मैं भी जेल में गया तो तुझको क्या? कूल डाउन अली, थोड़ा वक्त लगे तो भी तुझे ले जाऊंगा, तब तक के लिए पुलिस के नजरों से छुप के रहे, पकड़ा गया तो मुश्किल होगी। ओ, तुझे तो तेरा सारा काम करके मिल गया ना, अभी तुझे मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वैसी बात नहीं अली, अम्मी और रसिया को संभालना मेरे ऊपर है, जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए इसलिए। तू और तेरी अम्मी बहन, मरने दे उनको जाके। क्या बोला? अभी के लिए तू जा ली। क्यों? मैं फिर से जेल चला गया तो मुझे कोई परेशानी नहीं, आग से जलने वाला हमेशा ही आग से जलता रहेगा, ऐसा तू बिल्कुल मत सोच। आज के शारजा फ्लाइट में मुझे जाना ही है, नहीं तो यस फैसल मोहम्मद। अली खान, अब तू मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। नहीं, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आह, बेटा तुम थे? क्या बात है अम्मी, आज आप अल्लाह से क्या मांग रही थी? अपनी लंबी उम्र के लिए दुआ मांग रही थी क्या? मुझे क्यों चाहिए और लंबी उम्र? कासिम चला गया, फिर भी मेरी बेटी की देखभाल के लिए तू है ना? इस बात से मैं बहुत सुकून में हूँ। कासिम भाई के कातिल का मैं पता लगा लिया, पुलिस का काम भी मुझे ही करना पड़ा अम्मी, अब और देर नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी रसिया का निकाह करवाएंगे, उसके बाद हम सब शारजा में सेटल हो जाएंगे। अम्मी? आओ रसिया। आ गई तू? आमिर भाई, मैं अम्मी से बोल रहा था कि और देर ना करें, तुम्हारा निकाह बड़ी धूमधाम से ये भाई करवाएगा। उसके लिए सारा इंतजाम ये भाई कर दिया ऐसा समझो, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पेपर वर्क कर लेते हैं। देखो इन कागजों पे अम्मी आप अपना दस्तखत कर दो। क्यों हिचकिचा रही हो अम्मी? मैं आपका ही बेटा हूं ना।
आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो, पढ़ लो, ठीक से पढ़ना। अपनी रसिया कितनी होशियार हो गई है, पढ़ने दो। पढ़ लिया ना, अब बिना वक्त गवाए अम्मी को उस पे दस्तखत करने बोल दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अब्बू की सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स काफी नहीं है। अम्मी और मैं नहीं मानेंगे। क्या है रसिया ये, तो मुझे अलग समझती हो? गुजरे हुए कासिम भाई की जगह मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। अब्बू और भाई की वजह से जो तकलीफें हमें सहन करनी पड़ रही है, उसके लिए तुम लोग क्यों कोर्ट में चक्कर काटोगे? मैं हूँ ना अम्मी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। दस्तखत कर दो अम्मी। नहीं आमिर, मेरी बेटी को जो काम ठीक नहीं लग रहा मैं नहीं करूंगी। अभी के लिए पहले जैसा ही रहने दो सब। अभी अचानक ये लिखा पढ़ी सब कुछ, रहने कर दो अम्मी। चीजें अब पहले जैसी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा ही आमिर होने नहीं देगा। रसिया की बात सुनकर कुछ गलती मत कर देना, दस्तखत कर दो। नहीं अम्मी, दस्तखत नहीं करेगी। तुझे याद नहीं होगा, लेकिन अम्मी को याद होगा। बरसों पहले तुम और तुम्हारे पति ने हमें घर से बाहर निकाला था। कादिजा नाम की वो बेचारी औरत 6 साल के बच्चे को अपने गोद में लेकर पनाह देने के लिए रोई थी। एक वक्त का खाना नहीं देकर उस बच्चे और उस अम्मी को इस घर से बाहर निकाल दिए। तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आई उस छोटे से बच्चे और अम्मी के ऊपर? जरा सा सोचा होता। बेटे जाने दो। वो सब इतनी जल्दी मन से जाएगा नहीं अम्मी, फिर भी मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। नहीं तो कासिम भाई के कातिलों को ढूंढते मैं यहाँ नहीं आता। अब आगे सब कुछ मेरी इजाजत से चलेगा, सिर्फ मेरी। अम्मी दस्तखत करो, दस्तखत करो अम्मी। हाँ मुसाफिर, मैं आज रात 10:30 बजे का फ्लाइट से शारजा पहुंचूंगा। तुम एयरपोर्ट पे ही मेरा इंतजार करो। अमेरिका एक सुबह अम्मी और बहन का गार्जियन बनकर उनका सब कुछ अपने नाम करवा लिया, और अब चुपचाप बिना किसी को बताए तुम सीधा शारजा जा रहे हो? हाँ। ओ, तो रसिया ने सब बताया ना? वो ऐसे ही है, सब पे आंख बंद करके भरोसा करती है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कॉलेज में एक साथ होने की वजह से सीआई फैजल को कादर भाई के फैमिली से इतना अटैचमेंट क्यों है, समझ में नहीं आता। फैजल तुम ही बोलो, चीलर में कमाने वाले को अपनी बहन का हाथ कैसे दे दूं? इसलिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। एक और बात, रसिया का निकाह शारजाह में करने की पूरी तैयारी चल रही है। रसिया का निकाह अपने पार्टनर से कराकर उसे उधर ही सेटल कर देंगे, मेरे पार्टनर शेख अनवर के साथ। हाँ, और सीआई सर आपको भी मिलेगा शारजाह के लिए अप एंड डाउन फ्लाइट टिकट, रसिया के शादी के लिए। चलता हूँ फिर। ऐसे कैसे जाने दो? Oh!
कासरगोड कौदर की बीवी और उसकी बेटी को पनाह देने के लिए उधर शारजा से आए इस महान व्यक्ति को एक्टिंग के लिए अच्छे काम के लिए एक भारतीय सम्मान तो देना ही चाहिए ना सर। आमिर अजमल कहीं भी अवतार ले सकने वाले उस महान एक्टर के नाम पर ही वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल। याद रखिए सर, इसने ही जेल में कासिम भाई का गला घोट के मारा है। मैंने किसी को नहीं मारा है। मिस्टर सिजिजोस, व्हाट आर यू टॉकिंग? कासिम का कातिल ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है। क्या नाम है उसका? जिम्मी? नहीं सर, जिम्मी ने उसे नहीं मारा। फिर जस्ट अ मिनट। सर, ये है जिम्मी और ये सब जिम्मी के दोस्त हैं। उस दिन जिम्मी के साथ जेल में इन सब ने ही प्रोग्राम किया था, निर्दोष दोष को फैसी से बचाने के लिए और असली मुजरिम को सामने लाने के लिए इन सब ने ही मेरी मदद की है। बोलो जिम्मी, तुमने ही ये मर्डर किया है ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। फिर तुमने ये अपने सर क्यों लिया? क्या हुआ है, खुल के सर को बता दे जिम्मी। ये क्या कर रहे हो? तुम कितना भी चिल्लाओ, यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। बोल, पहले का गुस्सा मन में रखकर तूने ही हमारे कासिम भाई को मारा ना? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। कासिम भाई को तूने मारा, ऐसा पुलिस वाले को बोल। नहीं, जब मैंने मारा ही नहीं तो मैं फिर क्यों बोलूं? तुझे बोलना ही। बोल, नहीं बोलेगा तो मार दूंगा तुझे। मुझे मार भी दोगे तब भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुझसे मैं बुलवाऊंगा। अली भाई, क्या है ये? छोड़ो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। निर्दोष के साथ ऐसे पेश आते हैं क्या? जाओ। सॉरी जिमी, ये ऐसे ही है, मारने की आदत है उनको। तुम आओ। आओ बैठो। यू आर वेरी टायर्ड, कम ऑन ड्रिंक। मेरे बच्चे को कुछ मत करो। मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम लोगों को क्या चाहिए? हे, ये सब क्या है? आखिर क्या है ये सब? नहीं समझा? तेरे बीवी बच्चे का आखिरी पल लाइव शो है जिमी, तू अच्छे से देख ले। ओनली फॉर यू। नहीं प्लीज, मेरी पत्नी और बच्चे को कुछ मत करना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उनको कुछ भी ना हो, यही मेरी इच्छा है। उसके लिए अली खान जैसा बोलता है वैसा करो। कासिम भाई को तुमने मारा। आमिर, नाउ नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, डिसीजन तुम्हारा है। नो, ये सब रची रचाई कहानी है सर। इस तरह का इल्जाम कोई भी किसी के ऊपर कभी भी लगा सकता है। इनके बातों पर विश्वास मत करना। सर, पैदाइशी धोखेबाजी अपने साथ लेकर के चल रहे ये क्रिमिनल एक हीरो के रूप में शारजा से यहाँ क्यों आया है पता है सर आपको? मिडिल ईस्ट और यूरोप में ड्रग्स की सप्लाई करने और वहाँ से मर्डर करके कासिम भाई की फैमिली से सिर्फ बदला लेने के लिए यहाँ पर नया रिश्ता लेकर आया है सर। इन सब लोगों की जिसने मदद की है, इन लोगों के पीछे एक और आदमी बैठा है सर। तुम किसकी बात करना चाह रहे हो? वो कोई और नहीं है सर, हम सबके बीच ही बैठा है, जोशफ पालाथिनकल। शट योर ब्लडी माउथ यू डर्टी। बेकार में आवाज ऊपर करके टेंपर मत दिखाओ। सच्चाई का चेहरा कभी भी अलग ही होता है मिस्टर जोसेफ।
एक सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर लगाए गए इस इल्जाम के लिए क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? एविडेंस है सर, उन्नी सर, कासिम भाई को मारने और अली खान को जेल से फरार होने में मदद करने के लिए और आमिर का साथ देने के लिए जो पैसा मिला है सपरेंट के पास उसका हिसाब है। सर अगस्त की 3 तारीख को त्रिशूर के सिटी बैंक के मेन ब्रांच में सर के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम डिपॉजिट हुई है 5 लाख रुपीज। यूनाइटेड बैंक में वाइफ मौली कुट्टी के नाम FD बनाकर 6 लाख रुपए डाला, वो भी है इसमें सर, आप देख सकते हैं सर। बस इतना ही नहीं सर, अगस्त की 20 तारीख को सिटी में बन रहे लग्जरी फ्लैट खरीदने के लिए एडवांस में दिए गए हैं 9 लाख रुपए। एक इंसान की जिंदगी खत्म करने के लिए जो रकम तूने लिया उसका हिसाब है। लाइक सर, नहीं सर नहीं, ये सब मेरे कमाए हुए पैसे हैं सर। पुलिस की सरकारी नौकरी करने वाले के पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये तो सोचने वाली बात है ना। इसके घर में कोई ना कोई पैसे का या सोने का झाड़ होगा सर, सही कहा ना। हाथ में ज्यादा पैसा होने पर इंसान के अंदर एक अलग ही घमंड होता है। वैसे आप इतना सीनियर ऑफिसर हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। Am I right, Mr. Joseph, sir? He is lying, sir. पागलपंथी की बातें कर रही है ये सर। कन्नौर पुलिस कैंप में दारू पी के नशे में पूरे सबऑर्डिनेट के सामने मेरे कान के नीचे मारने से 6 महीने में सस्पेंड हुआ हूँ, सही कहा ना मैंने मिस्टर सिजो? आप उस बात को मन में रख के अब भी मेरे साथ वही बर्ताव कर रहे हो। जोसेफ, कानूर बीच पर तुम रात को 12 बजे पुलिस जीप में एक 16 साल की लड़की के साथ, बताओ क्या यहाँ पे? हाँ सर, इन्होंने 100% सच बोला है। हमारे बीच दुश्मनी है और उसी एक रीजन की वजह से मैंने ये केस जूनियर फैजल को दे दिया था और वही इस केस को हैंडल कर रहा था। मिस्टर सिजू जोस, तो अब ये सही सही बताओ कि ये मर्डर किसने किया है? सर मैं भी वही बोल रहा हूँ, कितना भी सच्चाई पर पर्दा डालो लेकिन एक न एक दिन सच्चाई बाहर आई जाती है और यही प्रकृति का नियम है। कई बार जेल में सुपरेंट और कासिम भाई के बीच झगड़ा हुआ है और मारपीट भी हुई। कासिम भाई ने इनको मारने की कोशिश भी की, इसलिए कासिम भाई मर गए और किसी को मुजरिम के बारे में पता भी नहीं चला और कासिम भाई इनके देखरेख में थे, सही कहा ना फैजल? हाँ सर, ऐसे कैसे एक आदमी मर गया सब लोग यही सोच रहे हैं ना। ऐसे एक ऑफिसर के साथ मिलकर आमिर अजमल ने ये सब किया है सर। यस, कासिम की मौत एक बच्चा भी ना जाने, इसलिए सेंट्रल जेल के क्लोज सर्किट कैमरा में तुमने कुछ करके उसे ऑफ कर दिया था, लेकिन नाइट ड्यूटी में जो वार्डन थे उन्होंने इस कैमरा को ऑन कर दिया था। और ये सब बातें तुम्हें पता भी नहीं है और होगी भी कैसे, क्योंकि ये सब मैंने करवाया था। बाद में ये बात पता चली कि जोसेफ ने पूरी रिकॉर्डिंग वहां से सब कुछ डिलीट कर दिया था, लेकिन हार्ड ड्राइव से डिलीट किया हुआ डेटा एक बार रिकवर किया जा सकता है और ये बात ये नहीं जानते थे। वही है उस महान अननोन ताकत की अनबिलीवेबल मैजिकल पावर। सर आगे क्या हुआ इसमें है सर? आपसे दूर शारजा में रहना होगा भाई, सब मुझसे नफरत करते हैं आपको पता है ना। मेरी जिंदगी ऐसे ही है, बचपन में ही अकेला पड़ जाना, अनाथ हो जाना, बहुत से दुख झेले हैं मैंने। अबू भी नहीं रहे और नहीं अम्मी, दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। अब से हम एक साथ रहेंगे, तुम मुझे अकेले मत छोड़ो भाई। रसिया और अम्मी को हम फ्लाइट से आज हम उन्हें शारजा भेज देंगे, इसी के लिए आपकी इजाजत चाहिए। ले जा तू, रसिया बेटी का निकाह तुम ही करवाना। मैं यहां से निकल पाऊंगा या दुनिया फिर से देखूंगा ये तो मुझे पता नहीं, अब सब कुछ तुझे ही संभालना होगा। अब से
सब कुछ मैं ही संभालूंगा। अब तुझे मारकर मैं तेरी सारी जमीन जायदाद सब मैं अपने नाम कर लूंगा, समझा? तो हाँ, मैंने मारा। उसका जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। स्मगलिंग, मर्डर और न जाने कितने सारे बुरे काम किए थे उसने। और सर, इन सब के पीछे जोसेफ का भी हाथ है। और जब मुझे ये पता चला तो सर मैंने सुपरेंट को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया और हम दोनों ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। अरेस्ट हिम। रुको रुको फादर, अरे फादर मैं भी आ रहा हूँ फादर, रुकिए मैं आया। ये देखो आप सबके लिए मैं मिठाइयाँ लाया हूँ। मैं करीना से मिलने आया हूँ। सही कह रहा है यार ये। ऐसा नहीं फादर, मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मेरी यूनिफॉर्म के अंदर का कलाकार बाहर आया है आज। नहीं समझा। ड्यूटी पर था मैं, कोई लैंडी के प्रोग्राम से वापस आया तो डिपार्टमेंट ने मुझे सस्पेंड कर दिया फादर। वैसे पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ अच्छा ही किया है मेरे लिए। अभी आगे से भी मैं कला दर्शन में फादर के साथ रहूंगा। क्यों, हैप्पी है ना सब? सुन बे, ज्यादा जोक करता रहेगा ना, एयरपोर्ट जाके फ्लाइट मिस हो जाएगी तो शौक लग जाएगा। हम चलते फादर। चलता हूँ भाई। किधर? छोटे घर में? तो तभी का मजाक है। फादर के अगले बर्थडे पर भी हम लोग बिल्कुल ऐसी ही पार्टी करेंगे, क्यों फादर? इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कोई कहीं भी जाए लेकिन जब भी वो वापस आए तो मैं उसे स्वीकार करूंगा इस कला दर्शनी में।